जय हिंद दोस्तों, मैं नीलेश पिलानिया, सीएलसी एनडीए एकेडमिक हेड। आज 3 सितंबर हम लोग एनडीए का वीडियो सॉल्यूशन, जो आज 3 सितंबर का जो पेपर हुआ है उसका वीडियो सॉल्यूशन लेकर आए। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का सीएलसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जैसे जानते हैं सबके सब कि एनडीए में 2 पेपर, फर्स्ट पेपर है मैथमेटिक्स का और सेकेंड है जनरल एबिलिटी टेस्ट। पेपर जो रहा है वो इस बार बहुत इजी रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा है। अगर डिफिकल्ट जो सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो एक तो इंग्लिश का सेक्शन रहा है और एक हमारा जीके वाला पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट गया है, जिसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता हूं मैं मैथ के पेपर के ऊपर। आज एनालिसिस हम लोग डिस्कस करते हैं, तो जो हमारा एक्सपर्टीज जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग सभी बैठे थे टीम मेंबर्स, तो उनका कहना है कि सर इस बार जो कट ऑफ जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वेरिएशन रहेगा वो 340 ± 10 का रहेगा। उसके पीछे रीजन ये है हमारा कि जो इस बार पेपर जो रहा है वो थोड़ा सा इजी रहा है, तब थोड़ा सा जो मेरिट है वो हाई जा रही है। जनरली हम लोग सभी जानते हैं कि सितंबर का जो अटेम्प्ट होता है वो मार्च अप्रैल वाले अटेम्प्ट से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जा रही है हमारी वो 340 ± 10 जा रही है। हाँ, ये सभी सभी को पता है, विद एग्रीगेटेड 25% इन ईच सब्जेक्ट। ओके, अब हम लोग पेपर का एनालिसिस अगर हम लोग डिस्कस करें वन बाय वन सब्जेक्ट के अंदर, अगर हम लोग डिस्कशन पे आए तो हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट रहता है मैथमेटिक्स, उसका जो लेवल रह रहा है वो रह रहा है इजी टू मॉडरेट। मतलब सीधी सी बात है यहां से, ये यह है कि इजी टू मॉडरेट है। मतलब मैथ का जो पेपर एक हमारे लिए बड़ा टास्क बन के आ रहा था लास्ट अप्रैल अटेम्प्ट में, कि बहुत सारे बच्चे मैथ के पेपर के कारण इस पेपर से एलिमिनेट हो गए थे, उनके लिए अच्छी बात है ये, क्योंकि इस बार वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैथ के अंदर। तो मैथ का जो गुड अटेम्प्ट है वो रह रहा है 60-65 क्वेश्चंस। तो जिन बच्चों ने 60-65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट के लिए हैं, वेल एंड गुड। इजी लेवल जो रहा है वो रहा क्यों है, क्योंकि इसके सभी के सभी क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन आए हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस किया है वो इजीली कर लेगा। और इसके माध्यम से मैं एक बात और कहूंगा, जो हमारा स्टडी मटेरियल है मैथमेटिक्स का लेवल में रह रहा है। ऐसे नहीं है कि आप उस स्टडी मटेरियल को लेके फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो रहा है, आप आराम से अगर उस स्टडी मटेरियल को गो थ्रू भी होते हो तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेते हो 70-80 क्वेश्चंस इजीली वे में। नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं हम लोग, साइंस के पोर्शन पे। तो साइंस के पोर्शन में पता है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। फिजिक्स के ऑलमोस्ट 21 क्वेश्चंस हम लोग ने देखे हैं पेपर के अंदर। लेवल ज्यादा इसका रहा नहीं है, न्यूमेरिकल्स वगैरह रहा है। लेवल 11th और 12th हम सभी को पता है वैसा ही आता है इसका। बायो का जो पोर्शन है वो 9th-10th का लेवल आता है, केमिस्ट्री का भी 9th-10th का लेवल आता है। और इसका जो लेवल अगर मैं बात करूं तो मैं करूंगा इजी टू मॉडरेट, क्योंकि पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेसिस पे पेपर है, ज्यादा लंबा इसके अंदर नहीं रहा। नेक्स्ट पोर्शन आते हैं इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश का जो पोर्शन रहा है हमारा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये वाला जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा इस बार एक्सपेरिमेंट भी किए हैं इसने, मतलब सिलेबस में चेंज नहीं बट नए क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले हैं। जिसमें सबसे पहला अगर मैं डिस्कस करूं, हमारे पैसेज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमें देखने को मिले हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस एज यूजुअल हमेशा हमारे एग्जाम में आती थी, PQRS आते थे, बट वो दोनों के दोनों इस बार नहीं है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स का वेटेज डिक्रीज हो गया, तो इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमें देखने को मिले। और वोकेबलरी भी इस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो अच्छी लेवल की डिस्कस हुई है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जनरल नॉलेज के ऊपर। तो इसका जो लेवल रहेगा वो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसमें एक पोर्शन रह रहा है हिस्ट्री। जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन था वो एज यूजुअल एज प्रीवियस ईयर का रहता है। हिस्ट्री पॉलिटिकल के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बन रहे थे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के 20, तो 17-18 क्वेश्चन इस बार भी आए। बट हिस्ट्री में इस बार थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कह सकता हूं मैं यहाँ से, कि वहां स्टेटमेंट बेसिस पे क्वेश्चन है। तो एक ये हमारी टीम जो थी उसका एक एनालिसिस है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पेपर अच्छा भी गया है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपके साथ डिस्कस की 340 ± 10। और जैसे आप सभी को पता है कि आपकी अपनी सीएलसी हमेशा की तरह प्रतिभाओं को तलाश कर तराशने के अभियान के तहत
इस बार 2024 में सीएलसी टेक्नो 24 टैलेंट एक्सप्लोरिंग सीएलसी नेशनल ओलंपियाड 2024 कंडक्ट करवा रही है 6 स्टेट के अंदर एक साथ 5 नवंबर को। तो चलो वो 6 स्टेट कौन से हैं, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, यूपी है, एमपी। स्कॉलरशिप की भी अगर बात करें तो आपके सामने पूरा गया है, केस पैसेज भी है, इंटरनेशनल एज ट्रिप भी है, 100% तक स्कॉलरशिप भी है, रिवार्ड्स भी फॉर स्टूडेंट्स। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि सर हम इसमें रजिस्ट्रेशन कहाँ से करें, तो clctechno.com पे जाके आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ये एग्जाम देना चाहिए क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है। एग्जाम देकर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कॉम्पिटिशन में आपको पता लगता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। टीम सीएलसी की तरफ से बेस्ट विशेस कि आपका रिजल्ट अच्छा है और आप आगे की जो फर्दर एसएसबी वगैरह की जो प्रिपरेशन है उसके लिए आपको सीएलसी से जुड़ सकते हो। हाँ, एक बात और, आप सीएलसी से आगे अप्रैल के अटेम्प्ट के लिए जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। 11 सितंबर से हमारा एक क्रेश कोर्स के लिए बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ओके, जय हिंद, जय सीएलसी। ओके, सो वेलकम टू द इंग्लिश सॉल्यूशन ऑफ द एनडीए पेपर। इस बार की जो पेपर हुआ इंग्लिश का उसका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपके देखो पहला क्वेश्चन है, मेनी मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर एंड प्रॉपर्टी, और आपसे कहा है कि मैलिएबल जो वर्ड है इसका एंटोनिम बताओ। मैलिएबल इज बेसिकली जिसे हम लचीला कह सकते हैं, फ्रजाइल और फ्लेक्सिबल, इस तरह का सेंस जो है मैलिएबल में बहुत यूज होता है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज हार्ड। सो द बेस्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट, टू नेग्लेक्ट अ वार्निंग इज टू इनवाइट डेंजर, और आपको पूछा है कि नेग्लेक्ट का एंटोनिम बताओ। तो नेग्लेक्ट का देखो सब कुछ, इग्नोर करना भी नेग्लेक्ट होता है, ओवरलुक करना भी नेग्लेक्ट करना होता है, डिसरिगार्ड भी नेग्लेक्ट करने का सेंस देता है। द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज 3, नंबर 3। नेक्स्ट, हिज ओस्टेंटेशियस बिहेवियर सरप्राइज्ड एवरीवन। अब देखो ओस्टेंटेशियस का मतलब होता है कि बनावटी, जिसे हम कहते हैं प्रिटेंटियस, बनावटी। तो ये बनावटी का जब आपको इसका बताना होता है ऑस्टेंटियस का, तो बनावटी का ऑपोजिट होता है जिसमें कुछ नहीं है, खुली किताब जैसा है, ओपन बुक की तरह है। तो इसीलिए द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज एपरेंट। जबकि मॉडेस्ट भी हो सकता है आई कैन, बट एज आई एम श्योर मॉडेस्ट विनम्र होता है, तो उसमें विनम्रता में कुछ ओपन का कुछ नहीं है। जबकि आप ऑस्टेंटियस का यूज कर रहे हो विच इज बनावटी प्रिटेंटियस, उसमें क्या है कि एक अंदर की कुछ छुपी हुई है, कुछ बाहर रखा हुआ है, तो इस तरह का सेंस रखने का सेंस दिया है। तो दैट कैन बी ओनली द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज अपेरेंट, नंबर 3। नेक्स्ट, द एक्सपीरियंस ऑफ कोविड पैंडेमिक वॉज excruciating for much of the population. Excruciating का मतलब ही होता है कि बहुत ही deep और बहुत ही dense, इस तरह का sense देते हुए excruciating का use होता है। और ये देखो gnawing का हो, grueling का हो या harrowing का हो, इनमें सब deep sense है। और एक opposite करना है antonym, the best word to go for is हल्कापन देता दिखाते हुए, the best word is mild. Number 4. Number 5, a trip to the hills was refreshing. आपको पूछा है refreshing का antonym क्या होंगे। अब refreshing है तो थकान भरी, तो that is the best word to go for, and the best word to go for is wearing. Wearing के मतलब होता है tired, to get tired, थकान भरी, बहुत ही थकान है, इस तरह का sense देते हुए the best word to go for is number 2. Now let's go to the passage, and if you read the passage, I don't want to read the passage. मैं passage को पढ़ना नहीं चाहता हूँ. I'll just give you the rough idea of the answer. So let's go for the question number 6. Question number 6 पूछा है,
why, according to the writer, can't people be motivated to use a resourceful prudently? इसके दो उत्तर है, एक तो है नंबर टू और एक है नंबर थ्री, ये दोनों ही एप्लीकेबल है, तो आपके आंसर होना चाहिए नंबर थ्री, टू एंड थ्री ओनली द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर. मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द करेक्ट आंसर ऑफ इट, दैट्स ऑल. When do people use resources exhaustively? Kab? So the best option is when the resource is about to expand. When the resource is about to expand, so that is the best option to go for. Number 8. The self-interest of people affects the use of renewable resources. Kaise? Kaise? How? The best option to go for is erratically. Right option to go for. Number 9. People rooted in a locality or jo locality se belong karte hai, wo consume karte hai resources freely. Natural si baat hai. Ki jo aap locality se hai, wahan pe jo bhi resources honge, usko aap free use karoge. Consume resources freely. The best option to go for. Number 9. Number 10. Which among the following is the closest in meaning with the word deplete? Deplete ka matlab hota hai kam hote jana. That means exhaust hote jana, khatam hote jana. The best option to go for is number 1. Exhaust. The best option. Let's go for number next question. Question number 11. Pucha hai ki principal PAL एंड प्रिंसिपल पी एल ई, इन दोनों का मीनिंग कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो कवर करता है. तो देखो, प्रिंसिपल मीन्स मॉरल, पी एल ई मीन्स मॉरल रूल, एंड प्रिंसिपल मीन्स द हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, तो आई विल नॉट गो इन डिटेल्स ऑफ द अदर्स, तो आई विल जस्ट गिव यू द आंसर फॉर इट. द करेक्ट आंसर इज 3. प्लेन एंड प्लेन, एक प्लेन तो एरोप्लेन सोच के देखो, प्लेन दैट फ्लाइज, एंड द प्लेन दूसरा पी एल ए आई एन विच मीन्स फ्लैट सर्फेस. तो प्लेन मीन्स समथिंग दैट फ्लाइज एंड प्लेन मीन्स फ्लैट सर्फेस, दैट कैन बी द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 13, पेल एंड पेल. देखो ये जो पेल है ये फीका पड़ना होता है, कलर का फेड होना, चेहरे का रंग उड़ना, इसे हम पेल कह सकते हैं. एंड दिस पेल मीन्स अ बकेट, बाल्टी. तो इस हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज नंबर 3. पेल मीन्स फेडेड और लाइट इन शेड, एंड पेल मीन्स अ बकेट, द राइट ऑप्शन. एक मेटल दैट हैज गॉट अ शाइनी सरफेस, स्ट्रॉन्ग मजबूत मेटल, और दूसरा होता है दिमाग, कि कुछ तो दिमाग में हो, तो दैट इज कॉल्ड MEELE मेटल. तो द मेटल इज अ हार्ड शाइनी मटेरियल दैट इज गुड कंडक्टर, एंड मेटल मीन्स मेंटल रेजिलियंस, यानी दिमाग की मजबूती, रेजिलियंस सहन शक्ति दिमाग की, तो दैट इज द मेटल. द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज नंबर 4. 15. हेल एंड हेल, एक हेल तो होता है वही जो फ्रोजन, या तो जिसे हम हेल स्टॉर्म कहते हैं, जब 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 बारिश के समय ओले गिरते हैं, बर्फ की टुकड़े, तो उसे हम कहते हैं HAIL, और दूसरा HALE, और उस हेल का मतलब होता है बुजुर्ग इंसान जब मजबूत एंड स्ट्रांग होते हैं तो उसे हेल कहते हैं. तो इस तरह का सेंस देते हुए द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज HAIL means strong and healthy, and hail means pellets of frozen rain, or hail means pellets of frozen rain, and hail means green snow. So hail means pellet of frozen rain, and hail means winter snow. Hail means pellet of frozen rain, and hail means strong and healthy. So I'll go with number 2. So hail ka matlab hota hai pellets of frozen rain, and hail ka matlab hota hai
strong and healthy, and that is only meant for the old age people, buzurg insano ke liye. Number 16, conscious and conscious, dono ka pronunciation ek hi hai, conscious and conscious, but the different means, ek to hota hai ki hosh mein hona, aur dusra hota hai sahi galat ka fark karna. तो इसीलिए कॉन्शंस जो कॉन्शियस ये वर्ड है ये फर्क करने का राइट एंड रॉन्ग का और ये होश में होना तो ये देख लेते हैं मींस विच इज द राइट ऑप्शन. कॉन्शियस मींस अवेयर होना होश में होना एंड कॉन्शियस मींस सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. तो दिस इज द राइट ऑप्शन टू गो फॉर नंबर 4. कॉन्शियस मींस अवेयर and conscious means the sense of right and wrong. Dono ka pronunciation to same hai, I cannot make any difference on that. To is hisab se the correct option is number 4. Decent and decent, isme pronunciation ka thoda sa difference hai. One is the decent and other is the decent. Ye decent ka matlab hota hai upar se niche ki ora. And this decent means difference of opinion. Jab rai mat alag hote hai, toh wo sense deve. To dekhte best option to go for is decent means having ideas different from general views and official position, and decent means movement towards a lower place. That is the right option to go for. Iske ilawa toh koi option nahi hai. No. So this is the correct option to go for. Decent means having ideas different from general beliefs and official position, and decent means movement towards the lower surface. Absolutely right. Correct answer is 17 ka 1. Device and device. Ye jo device hai na CE se, ye upkaran ka sense deta hai. Koi bhi padarth, substance ki matlab dete hue. और ये जो डिवाइस है एसी, ये डिवाइस का मतलब होता है रास्ता निकालना, अ वे. किसी तरह से आप मान लो कि आपको कोई काम आपसे हो नहीं पा रहा है और आपने उसका रास्ता निकाल लिया, कैसे किया जा सकता है, तो दैट इज द वर्क ऑफ अ डिवाइस विथ एसी. तो देखते हैं द बेस्ट ऑप्शन कौन सी है. तो बेस्ट ऑप्शन इज ये तो नहीं हो सकता. डिवाइस मींस फाइंडिंग अ न्यू वे. नो, डिवाइस मींस अ पीस ऑफ इक्विपमेंट मेंट फॉर अकॉम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक टास्क, एंड डिवाइस मींस फाइंडिंग अ न्यू वे टू डू समथिंग. द करेक्ट ऑप्शन इज 3. डिवाइस मींस अ पीस ऑफ इक्विपमेंट मेंट फॉर अकॉम्प्लिशिंग अ स्पेसिफिक टास्क, एंड डिवाइस ऐसी से फाइंडिंग अ न्यू वे टू डू समथिंग. जो मैंने आपको बताया कि नया रास्ता निकालना किसी कार्य को करने के लिए. This is the right option to go for 18. Question number 19, discrete and discrete. Pronunciation mein koi antar nahi hai. But the difference is, discrete ka matlab hota hai, jo CRET hi hai, wo hai. Ye jo discrete hai, ye means discrete means separate and distinct categories of object. Distinct means separate and distinct categories of object, and discrete means maintaining confidentiality. तो ये जो discrete है, ये होता है to maintain confidentiality. यानी किसी चीज को सबके सामने बताने की जरूरत ना पड़े, अपने आप में रखना. तो ये जो sense है, ये इस वाले word को दे सकते हैं. और इस वाले word का मतलब होता है distinct categories of discrete. Means separate and distinct categories of object. तो इस हिसाब से the correct option देख लेते हैं और बाकी तो और कुछ है नहीं. Okay, तो correct answer is 2. तो discrete means separate and distinct categories of object, and discrete means maintaining confidentiality. Absolutely correct. Number 19. Number 20. Eminent and imminent. Eminent का मतलब होता है नामचीन, प्रसिद्ध, जो इस वर्ड से आता है. और इमिनेंट का मतलब होता है जो होना ही है, तय है, उसे आप टाल नहीं सकते. इमिनेंट होना ही है. तो इस तरह का सेंस देते हुए द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज एमिनेंट मींस इंपॉर्टेंट एंड फेमस.
एंड इमिनेंट मीन्स समथिंग अबाउट टू हैपन, तो इसके बेटर ऑप्शन तो और कुछ हो ही नहीं सकता, और बाकियों में तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं, तो बेस्ट ऑप्शन फॉर 20 इज 1, 20 का। नेक्स्ट, ओके, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है एज द साउथ वेस्ट मॉनसून, इसमें यहां पे शायद आपके गैप है, यहां पे पूछा है गैप, तो ये गैप यहां पे दिया हुआ नहीं है। एज द साउथ वेस्ट मॉनसून डैश थ्रू मोस्ट ऑफ जुलाई, फ्लैश फ्लड्स कॉस्ट बाय द वाटर्स ऑफ द नर्मदा हिट जबलपुर टाउन। तो यहां पे जैसे कि कुछ फोर्सफुली जब पानी बहने लगते हैं तो उसे द बेस्ट वर्ड टू गो फॉर इज नंबर 1, लैश्ड। एज द साउथ वेस्ट मॉनसून लैश्ड थ्रू मोस्ट ऑफ जुलाई, फ्लैश फ्लड्स कॉस्ड बाय द वाटर्स ऑफ द नर्मदा हिट जबलपुर टाउन, द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज नंबर 1। Given the scale of the challenges that us today, अच्छा यहाँ पे gap है आपके जो यहाँ पे नहीं दिया है। Given the scale of the challenges that dash us today, our company proposes more viable plans for sustainability. तो यहाँ पे देखो आपकी that से conjunction है, तो conjunction के बाद उससे पहले आपका अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो यहां पे ऑफ से दो विषयों को जोड़ा गया है। तो ऑफ से जब दो विषयों को जोड़ा जाता है तो पहले विषय के आधार पर वर्ब को लिखा जाता है। तो देखो यहां पे स्केल है सिंगुलर और एस के साथ जो भी वर्ड्स है दैट कैन बी द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर। सपोर्ट्स तो कोई काम का है वर्ड है नहीं, कंफ्लिक्ट प्लूरल में है और कन्विंस प्लूरल में है, हो नहीं सकता, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज 3, कन्फ्रंट्स। गिवन द स्केल ऑफ द चैलेंजेस दैट कन्फ्रंट्स अस टुडे, आर कंपनी प्रपोजेस मोर वायबल प्लान्स फॉर सस्टेनेबिलिटी, द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23, इट इज रियली tough course, I am just worried that I won't be able to go to the dash, यहाँ पे एक dash है, तो ये dash basically यहाँ पे नहीं है, anyways उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, but the person who actually has given the exam, उन्हें पता है कि यहाँ पे एक gap है, और उस gap के लिए the best word to go for, it is really tough course, ये बहुत ही कठिन course है, तो I'm just worried, मैं थोड़ा चिंतित हो दैट आई वोंट बी एबल टू गो टू द एंड, उस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, यानी आई कैन नॉट बी एबल टू कवर द डिस्टेंस, द बेस्ट वे टू ऑप्शन इज डिस्टेंस, द राइट वर्ड गो टू द डिस्टेंस। 24, द डैश ऑफ द एडवांसमेंट, तो यहां पे एक डैश है जो नहीं दिया गया है, तो ये डैश में आपको वर्ड चूज करना है। The dash of the advancement made in agricultural productivity in India has been remarkable. तो advancement की हद, तो हद बताते हुए the best option to go for is extent. The extent of the advancement made in the agricultural productivity in India has been remarkable. The correct option to go for is number 1. Question number 25. This essay dash and examines, तो यहां पे एक dash मिलेंगे आपको, various systems of water, a proportion and agricultural practices adopted by society in the arid conditions of Rajasthan. तो basically यहां पे this essay उसने विस्तार से बताने की कोशिश की, यानी छानबीन करके खोज करके कुछ तथ्य को निकालना, इस तरह का सेंस देते हुए द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज नंबर 4। तो बन गया, दिस एसे एक्सप्लोर्स एंड एग्जामिन्स वेरियस सिस्टम्स फॉर वाटर, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर 25, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26,
इंडिया हैज बीन एबल टू डैश सक्सेसफुली, तो यहां पे एक डैश है जो मिसिंग है, तो उस डैश के लिए यू हैव टू गो फॉर द राइट वर्ड. तो इंडिया हैज बीन एबल टू स्टेबलाइज सक्सेसफुली इट्स पॉपुलेशन थ्रू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स. द बेस्ट वर्ड टू गो फॉर इज स्टेबलाइज, तो ये राइट वर्ड है. 27. एडोलेसेंस इज द डैश, यहां पे एक डैश है, वेर इन अ चाइल्ड एंटर्स अडल्टहुड. तो एडोलेसेंस एक समय काल है, तो ये समय काल को बताते हुए द बेस्ट वर्ड इज पीरियड. पीरियड के ऊपर बेस्ट वर्ड हो ही नहीं सकता और कुछ. द राइट वर्ड इज नंबर 4, पीरियड 27 का. 28. द ब्रिटिश हु रूल्ड इंडिया फॉर 200 इयर्स वर हियर टू इंडियाज वर हियर टू, यहां पे एक डैश है, इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेस. तो हियर टू एक्सप्लॉइट, और क्या इससे ज्यादा बेटर वर्ड और क्या हो सकता है. इंडियन नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए आए थे वो लोग 200 साल यहाँ पर. आज इसीलिए किया था कि तब उन्हें पता चली गया था कि वी आर अ बर्ड ऑफ गोल्ड, तो ऑटोमेटिकली वी आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेस ओवर हियर. तो द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज नंबर 3. एंडेंजर्ड स्पीशीज have a 50% or greater probability of, यहां पे एक डैश है, within 5 years or 2 generations, whichever is longer. तो यहां पे विलुप्त का सेंस देते हुए the best word is extinction. Number 2, endangered species have a 50% or greater probability of extinction within 5 years or 2 generations. Whichever is longer. The correct answer honge number 2, 29. 30. The first law of thermodynamics states that whereas energy can be, to yahan pe energy ko transform kiya ja sakta hai, from one form into another, it cannot be created or destroyed. तो transform किया जा सकता है, उसे create or destroy आप नहीं कर सकते energy को. It's a right, it's a theory, nothing more than that. तो इससे और कुछ नहीं है. The best word to go for is number 4, transformed. Next, 31. इसमें देखो, bread, butter एंड जैम कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स, यहां पे कंजंक्शन जोड़ा है और उसके बाद वर्ब दिया है, लेकिन यहां पे एक वर्ब होना बहुत जरूरी था. एंड द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज आर, ब्रेड बटर एंड जैम आर कॉमन ब्रेकफास्ट आइटम्स दैट आर कंज्यूम्ड बाय मेनी हाउस होल्ड्स. तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन इज नंबर 2. इट्स अ कॉमन एरर सेंटेंस, इजी सेंटेंस, कोई टफनेस नहीं है इसमें. $10,000 इज द प्राइज मनी बीइंग ऑफर्ड बाय द गेम शो होस्टेड. तो यहां पे देखो होस्ट्स किया हुआ है, तो ये तो राइट ऑप्शन नहीं है. आई विल गो फॉर होस्टेड. वर्ब का फॉर्मेशन चाहिए. सो द करेक्ट आंसर इज 3, गेम शो होस्टेड. गेम शो जो होस्ट किया गया उसमें $10,000 प्राइज मनी ऑफर किया गया है. जो होस्ट किया गया प्रोग्राम है उसमें ऑफर किया गया है. दैट मीन्स इज बीइंग और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म इज द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो यहां पे द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज होस्टेड. Number 365, तो ये 365 हो सकता है एक से अधिक हो, तो वर्ब को प्लूरल नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि 365 नंबर ऑफ डेज इन अ कैलेंडर ईयर होता है. एक साल के कैलेंडर ईयर में 365 दिन होता है, और ये 365 दिन एक वन यूनिट की तरह यूज होने के कारण ये क्रिएट्स बनेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब होगा.
और इसीलिए आंसर होंगे नंबर टू. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वुल फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल, ये जो प्रोसेस है जो जानवर के शरीर से वुल निकालने का, उसे देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट इस सवाल में मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए क्योंकि ये जो वर्ड है वो होना चाहिए शियरिंग. आप ध्यान से देख लो इस वर्ड का स्पेलिंग, ये होना चाहिए राइट वर्ड शियरिंग, जबकि यहां पे दिया हुआ है शेयरिंग. तो ये वर्ड स्पेलिंग एरर की वजह से कॉमन एरर में सवाल आना कुछ टफ लगता है मुझे, ये हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए. अगर ये शेयरिंग ही है, शेयरिंग नहीं है, तो उत्तर तो नो एरर आना चाहिए, इट्स करेक्ट सेंटेंस, इसमें कोई शक नहीं. बट अगर ये स्पेलिंग की वजह से है तो आई विल गो विथ नंबर थ्री. फिर से कह रहा हूं कि इस सवाल के लिए आप ऑब्जेक्शंस डाल सकते हो, डिपेंडिंग कि ये अगर स्पेलिंग एरर के वजह से है, स्पेलिंग एरर है, और स्पेलिंग एरर को अगर नेग्लेक्ट करके चार नंबर को आंसर की बताते हैं इन द फाइनल लिस्ट, तो आप इसके लिए डाल सकते हो. बट इफ एट ऑल कि ये नहीं है, बेसिकली शियरिंग इज द वर्ड जो कि होना चाहिए, तो ये तीन नंबर आएंगे, माइंड इट. तो 34 का मेरे हिसाब से तो तीन ही है. क्यों? क्योंकि आई विल गो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं इसमें वो नहीं देखूंगा कि ये स्पेलिंग एरर हो सकता है या नहीं, सो आई विल नॉट गो अलोंग विद दैट. तो मेरे आंसर तो तीन ही आएंगे, और एल्स अगर ये अगर प्रॉब्लम नहीं है देन द आंसर विल बी नो एरर, कोई एरर नहीं. मेरे हिसाब से 34 का बेस्ट आंसर इज थ्री, आई विल गो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. चलिए नंबर 35. Many people came from far away places, और उसके बाद देखो टू है, और टू के बाद थर्ड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, टू प्रे हो सकता है, प्रेड नहीं हो सकता, तो यहां पे करेक्ट आंसर होंगे नंबर टू. आफ्टर रीडिंग, और यहां पे देखो कई लोग गलत करेंगे मुझे पता है, ऑफ से जब दो विषयों को जोड़ा जाता है तो पहले विषय से पहले ए एंड दी लगाना काफी अनिवार्य होता है, और यहां पे ये फॉरवर्ड वर्ड को स्पेसिफिक करने के कारण यहां पे एक दी शब्द आना बहुत जरूरी है. तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर इज नंबर वन. आफ्टर रीडिंग द फॉरवर्ड ऑफ द बुक ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया आई डिसाइडेड टू मीट इट्स ऑथर. तो इस हिसाब से द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर वन. द गाइडेंस फ्रॉम द मेंटोर्स एंड टीचर्स फैसिलिटेटेड द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल. तो यहां पे टू द स्टूडेंट्स काउंसिल को अजीब लग रहा है, क्यों? क्योंकि राइट प्रीपोजिशन यूज्ड हुई नहीं है, तो आई विल गो विथ ऑफ एंड द करेक्ट आंसर इज थ्री. The principal of our school felicitated the students in the prize distribution ceremony. कुछ हद तक मेरे को दिमाग में आया था कि इसको क्या present perfect कर सकता है, यानी has felicitated the students. तो मैं सोचा कि इसमें has करने की जरूरत क्या है, अगर felicitate कर चुके हैं, past की sense है, तो उससे first form तो हो ही सकता है. तो इस हिसाब से the best option is नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है. पहले मैंने एक बार सोचा था कि दो को सोचे, फिर मैंने बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में आया कि ये सेंटेंस बिल्कुल सटीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है. ये कंडीशनल सेंटेंस का सेंटेंस है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं. इफ यू वर टू कम टू चेन्नई टू सेटल डाउन, अगर आपको चेन्नई आना होता सेटल करने के लिए, तो यू वुड बी द बेस्ट पॉसिबल, यू वुड बी, इट वुड बी द बेस्ट पॉसिबल डिसीशन. तो यहां पे कंडीशनल सेंटेंस के हिसाब से ये विल बन जाएंगे वुड. ये रूल है और कुछ नहीं है, सिंपल रूल, और उसी रूल के आधार पे ये विल को वुड बनाना है, नथिंग एल्स, एंड द करेक्ट आंसर इज थ्री. दे हैड प्रॉमिस्ड टू
टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, ईडी नहीं आ सकता, तो बेस्ट ऑप्शन इज वन, तो होना चाहिए दे हैड प्रॉमिस्ड टू डिलीवर द बैग्स बिफोर मिड मार्च टू इनेबल अस टू इनॉग्रेट द शॉप. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज वन. अब आपसे पूछा है कि सिनोनिम्स, द वर्ड इज कैप्चियस. तो कैप्चियस को बेसिकली सेंस दिया जाए तो वही होता है जो लोग दूसरों की गलती ढूंढते रहते हैं. कैप्चियस इज ऑलवेज कैप्चियस, हमेशा दूसरों की कहां पे गलती है, कहां पे क्या करते हैं, वो सब ढूंढना, ऐसे लोगों को कैप्चियस कहते हैं. द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज नंबर थ्री, फॉल्ट फाइंडिंग. Geomorphologists ascertain, several wonderful facts about our earth. यानी वो निश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं. तो सुनिश्चित तभी कह करते हैं जब वो verified है. तो इसीलिए the best option to go for is verify. Number one, the colonel ordered the soldiers to meet him in the commissary. Commissary is basically army restaurant भी कह सकते हो, canteen भी कह सकते हो, जहां पर army के हर प्रकार के उपकरण, हर प्रकार की जैसे कि daily needs के products जहां मिलते हैं उसे commissary कहते हैं. तो इसीलिए the best option to go for is army canteen. तो को वहां पे कहां पे बुलाया इन लोगों को मिलने के लिए, एट दी आर्मी कैंटीन. तो करेक्ट आंसर इज नंबर फोर. द डॉक्टर डिसमेंबर्ड द पेशेंट्स फिंगर. डिसमेंबर्ड का मतलब होता है काट के अलग कर देना. तो ये आपका मेंबर है ना, आपके साथ जुड़े हुए शरीर के सारे अंग, तो इसे हम अगर काट के अलग कर दो तो वो डिसमेंबर्ड बन जाएंगे. तो काट के अलग करने का बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? ये स्टिच्ड है, हो नहीं पाएगा. ये प्लास्टर्ड है, ये भी नहीं कर पाएगा. स्प्लिंटर्ड में शरीर के अंगों में जैसे कि बोन्स है उसमें अगर टूटे हुए ब्रोकन बोन्स है तो वो हो सकता है, लेकिन वो बेसिकली अलग नहीं होते. तो इसीलिए द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज डाइसेक्ट. डाइसेक्टेड में आप किसी चीज को किसी चीज से काट के अलग कर सकते हो. तो इसीलिए द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर 44 इज नंबर टू. मिस्टर कुमार वर्क्स एज अ बर्सर इन द स्पोर्ट्स एकेडमी. बर्सर वो होता है जो फाइनेंशियल चीजों की ख्याल रखते हैं, यानी कितने पैसे आए, कितने देना है, किसको कितना दिया है, ये सारे हिसाब रखने का काम कौन करता है भाई? तो दिमाग में आएंगे द बेस्ट ऑप्शन इज अकाउंटेंट. द बर्सर इज एन अकाउंटेंट. हिज इंटेंशंस आर इनसीडियस. उसके इंटेंशंस बहुत ही, मतलब लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, उन्हें गलत समझाना, इंटेंशन इरादा, बेसिकली इरादे की बात करते हुए इंटेंशन का यूज हुआ है. द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज डिसीटफुल. रिस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बीइंग्स इज इंट्रिंसिक टू द टीचिंग्स ऑफ ऑल रिलीजियस ऑफ ऑल रिलीजियंस. तो ये तो जन्म सिद्ध अधिकार वाला सेंस को यूज करते हुए कर रहा है. तो जन्म से अधिकार वही होता है जो जन्म से, तो बेसिकली वो इनहेरेंट को यूज करने की कोशिश कर रहा है. द बेस्ट वर्ड टू गो फॉर इज इनहेरेंट, इनसेंट्रिक. ही कंप्लीटेड द ओनेरस टास्क विद रिलेटिव ईज. ओनेरस टास्क का मतलब होता है, सिनोनिम पूछा है ना, तो ओनेरस का मतलब होता है जिसमें बहुत मेहनत की जरूरत होता है. तो बहुत मेहनत की जरूरत होता है तो वो बहुत थकान भरी होंगे. तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर एज वियरिंग टास्क. टास्क कभी भी कॉम्प्लेक्स टास्क, ही कंप्लीट द कॉम्प्लेक्स टास्क विद रिलेटिव ईज, नहीं, वो थकान भरी काम को, बहुत मेहनत का काम को आसानी से कर दिया, ये सेंस देते हुए यूज किया गया. द बेस्ट ऑप्शन इज नंबर फोर.
Alfred was a potentate during the Middle Ages. तो potentate का मतलब ही होता है सम्राट, राजा. तो ये the best word to go for is monarch. Monarch, सम्राट. I abandoned the task due to indolence. आलसपन, आलसी होने के कारण मैंने काम को छोड़ दी. तो आलसी, आलसपन, यानी द बेस्ट वन इज नंबर टू. सो हियर आई एंड टुडेज सेशन विथ ऑल द 50 क्वेश्चंस एंड आई एम श्योर कि आप सभी को समझ में आ गया कि इस 50 सवालों का सही उत्तर क्या होना चाहिए. दैट्स ऑल. थैंक यू फ्रॉम द CLC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. हैव अ नाइस डे. नमस्कार, मैं अशोक भूकर, टीम फिजिक्स CLCC का आप सबका CLCC के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं. हम बात करेंगे आज 3 सितंबर को जो NDA का पेपर हुआ है उसके फिजिक्स के पोर्शन की. टोटल फिजिक्स के पोर्शन से 21 सवाल आए हैं और अगर सवालों की बात करी जाए तो सारे सवाल जो है वो लगभग औसतन है, एवरेज है सारे के सारे. चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. पहला सवाल हमारा है, एन आयरन नेल सिंक इन वॉटर वेयर एज आयरन शिप फ्लोट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. पहला क्या बोल रहा है, एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वॉटर. गलत हुआ बेटा ये. एवरेज डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वॉटर, बिल्कुल सही है हमारे पास में ये. फिर है, एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप इज लेस देन दैट ऑफ वॉटर, बिल्कुल सही है हमारे पास में. एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप इज इक्वल टू द वॉटर, बिल्कुल गलत है. तो हमारे पास में ऑप्शन हुआ बेटा सेकेंड एंड थर्ड. क्लियर. नेक्स्ट बात करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर्स ऑफर मिनिमम. तो बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में समांतर क्रम में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, तुल्य प्रतिरोध होता है, वो सबसे कम होता है. तो बेटा यहां पर देखिए आप, यहां पर ये जो है ये दो तुम्हारे पास में समांतर में दिख रहे हैं, इन दोनों का देख लो. देखो ये तो श्रेणी में है तो इनका तो वैसे ही ज्यादा होना है. इनका इसका आएगा बेटा मेरे पास में 1 और इनका आएगा मेरे पास में 1.5 ओम. तो किसका आंसर हुआ, पहला आंसर. क्लियर. नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं. What will happen if a collection of positive and negative charges are passed at a high speed through a magnetic field which is perpendicular to the direction of motion of charges? Assumed that both kind of charges are not going to recombine. बेटा क्या करा अगला? हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि जब चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड से होकर निकलेंगे, अगर कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से निकल रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा, और क्यू वी बी साइन थीटा के लगने की वजह से उसका पार्ट डिफ्लेक्ट होगा. तो बेटा हमारे पास में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों चार्ज है वो दोनों के दोनों ही अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. सेकेंड ऑप्शन हमारे पास में राइट. क्लियर. नेक्स्ट, स्ट्रीमिंग ऑफ लाइट बिकमिंग फ्रॉम द सन थ्रू द ट्रीज इज सेड टू हैव सजेस्टेड दैट travel in straight line, the particles on the path of light beams are visible to us because. बेटा एक theoretical सवाल है. Dust particles in the air scatter light into our eyes. ये scattering of light का concept है. Clear? Next सवाल. देखिए, the flash of light is seen before the thunderstorm is heard. It verifies that. बेटा सबको पता है कि जो light की speed है, वो ज़्यादा होती है और sound की जो speed है, वो कम होती है. तो light travels much faster देन द साउंड. तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा, सेकंड ऑप्शन हुआ. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड टर्मिनल्स इलेक्ट्रिक हीटर इज 220 वोल्ट, द करंट थ्रू इज 0.5 एम्पीयर. व्हाट वुड बी द करंट द हीटर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ हीटर इज रिड्यूस टू 120 वोल्ट. बेटा हमें पता है कि V1 upon I1 is equals to V2 upon I1. ऐसे लिख सकता हूं मैं. V1 कितना बेटा मेरे पास में 220 upon 0.5 is equals to V2 कितना बेटा 120 upon I2. तो यहां से मेरे पास में I2 कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ गया बेटा मेरे पास में
0.70 डाल दिया तो इस साइड में आया, तो मेरे पास में आया 12 × 5/220 इज इक्वल टू I2। तो बेटा मेरे पास में I2 हो गया 60/220 कम्स आउट टू बी 0.27 एम्पीयर। तो कौन सा ऑप्शन हुआ मेरे पास में? थर्ड ऑप्शन, 0.27 एम्पीयर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा सवाल में? द हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक आयरन इज यूजुअली, जो हीटिंग एलिमेंट वो हमेशा किसके बने होते हैं बेटा? नाइक्रोम के बने होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता 1.5 मीटर हाई स्टैंड्स बिफोर ए प्लेन मिरर फिक्स्ड ऑन अ वॉल हियर टू फुल इमेज, व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर सो दैट सीता कैन व्यू हर फुल इमेज। बेटा हमने पढ़ रखा है ऐसा कि अगर कोई भी इंसान अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है तो मिरर की जो हाइट होगी वो उसके हाइट से हाफ होनी चाहिए। तो एच डेज कितनी होनी चाहिए? मिरर की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से आधी होनी चाहिए। तो मेरे पास में यह आया बेटा 0.75 मीटर। तो विच ऑप्शन इज? थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट बात कर रहे हैं, क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा ग्राफ आई और वी को रिप्रेजेंट कर रहा है? किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। बेटा सेमीकंडक्टर का जो करेक्टरिस्टिक कर्व है, वी और आई के बीच में जो ग्राफ बनता है, हमें पता है कि जो सेमीकंडक्टर है वो नॉन ओमिक डिवाइस है और नॉन ओमिक डिवाइस के लिए कभी भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। तो हमारे पास में जो ग्राफ है आई और वी के बीच में कौन सा ऑप्शन है बेटा? थर्ड ऑप्शन है। क्लियर? बिल्कुल बहुत ही आसान सा सवाल हमारे पास में। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 वेयर ऑल क्वांटिटीज आर नॉन जीरो, सिंबल कैरीज देयर यूजुअल मीनिंग्स। अब मेरे पास बेटा ये जो हम इक्वेशन काम में लेते हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए काम में लेते हैं। एक्सेलरेशन हमारा कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ कहां से बनाएंगे बेटा? सेकंड इक्वेशन होती है हमारे पास में s is equals to ut plus half at square, पता है आपको। तो इस इक्वेशन से मैं क्या बना सकता हूं? s directly proportional to t square। तो s directly proportional to t square आएगा तो मेरे पास में ग्राफ कौन सा आएगा बेटा? 4 नंबर वाला। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर साउंड वेव्स प्रोपेगेटिंग इन एयर। बेटा बिल्कुल थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, साउंड वेव है जो मैकेनिकल वेव है और इसका नेचर कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल है। कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा मेरे पास में? सेकंड ऑप्शन। और साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, कौन है? मैकेनिकल वेव है और कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है मेरे पास में बेटा, देखो हमने पढ़ा है कि कोलिजन के अंदर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। इसलिए हम इसमें क्या लगाते हैं बेटा? मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए। तो मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या? 100 ग्राम का है मेरे पास में बेटा, ग्राम को तुम केजी में कन्वर्ट करो चाहे मत करो, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर करोगे तो गिरा। 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट के लिए कितने से चल रहा है? 20 से। प्लस दूसरा वाला है 50 ग्राम का, लेकिन वो किस में है बेटा? रेस्ट में है। तो स्पीड कितनी है? 0। क्लियर? इज इक्वल टू, अब क्या कर रहा है कि जैसे ही कोलिजन होते ही मेरा जो पहला स्पेयर है, पहला जो स्पेयर है वो किस में आ जाता है? रेस्ट में। पहला स्पेयर कौन था बेटा? 100 ग्राम का था। तो 100 वाला का मोमेंटम हो गया 0। प्लस दूसरा 50 ग्राम वाला, 50 ग्राम, और मान लीजिए कोलिजन के बाद में कितने से चलने लग गया? 20 स्पीड से चलने लग गया। दिख रहा है बेटा? कैंसल आउट हो गया। ये टर्म कितनी होगी? 0 होगी, कैंसल आउट हो गया। तो ये कितना वाई साइड में? 2000 इज इक्वल टू 50 × V। तो बेटा V आ गया मेरे पास में 40 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा? फोर्थ ऑप्शन। क्लियर? तो कोलिजन में आप मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following optical phenomena supports that light is a transverse? ये बेटा light का जो transverse nature है वो कहाँ से समझाया गया था? Polarization से। Polarization से clear हो गया था कि light has transverse wave. Clear? Next question बेटा, How many of the following materials can be attracted by a magnet? बिल्कुल आसान सा सवाल है, contradictory सवाल है। Final answer हम NDA का ही माना जाएगा इसमें।
बेटा कैसे मेरी बात सुनिए कि प्लास्टिक है ये तो नहीं होगा, कार्बन नहीं होगा, एल्यूमिनियम कैसा है पैरामैग्नेटिक अणुचूर्ण, कैसा है बेटा पैरामैग्नेटिक बेटा। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है ये स्टेनलेस स्टील के कंपोजिशन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। कई स्टेनलेस स्टील के कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं, लेकिन सवाल में क्या कर रखा है कैन बी अट्रैक्टेड हो सकते हैं, मतलब कौन कौन इनसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो हम ये पॉसिबिलिटी मानेंगे कि ये उस स्पेशल टाइप की बात कर रहा है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो हम ऑप्शन देंगे डी और सी दोनों को देंगे, तो हमारे पास में टोटल कितने हुए बेटा 2 हुए, तो हमारे पास में ऑप्शन कौन सा है सेकंड ऑप्शन है। क्लियर, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास में। Which of the following is the usual unit of measurement of air pressure used in India? बेटा पता है बार किसकी प्रेशर होता है, बार किसकी यूनिट होती है प्रेशर की, तो मिली बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट वन, चलिए बेटा नेक्स्ट सवाल क्या कर रहे हैं। राम रिकॉर्ड्स द ऑडोमीटर, राम क्या करता है अपने ऑडोमीटर में 2000 रीडिंग लेता है, वो चलता है और जब जर्नी खत्म होती है तो उसकी रीडिंग कितनी हो जाती है भाई, जब वो स्टार्ट कर रहा है तो उसकी रीडिंग कितनी है 2000 किलोमीटर है, जब अपनी जर्नी खत्म कर रहा है तो मीटर के अंदर रीडिंग कितनी है 2400 किलोमीटर है, और इस जर्नी को जाने में टाइम कितना लगा 8 आर, तो बेटा उसकी डिस्टेंस कितनी हुई 400। क्लियर, टाइम कितना ले रहा 8, तो उसकी एवरेज स्पीड औसत चाल कितनी होगी 50 किलोमीटर पर आर, क्योंकि 400 किलोमीटर में है 8 आर में है, तो कितनी होगी 50 किलोमीटर पर आर। क्लियर, नेक्स्ट सवाल, क्या है रानी डिसाइड्स टू कन्वर्ट हर एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर यूज करना पड़ेगा। थ्योरेटिकल सवाल है, 10th क्लास की साइंस की बुक में है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रमेश कैनॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर से पीछे रखे हुए ऑब्जेक्ट को रमेश देख नहीं सकता। This defect can be corrected by using a lens of power. बेटा इसके लिए फॉर्मूला है 1 by f is equals to 1 upon far point minus 1 upon object distance. तो 1 upon f is equals to 1 upon far point कितना है 2 मीटर minus 2 minus 1 upon object minus infinite, तो मेरे पास में ये टर्म हो गई बेटा 0, तो बेटा मेरे पास में कितना आ गया 1 by f आ गया मेरे पास में माइनस 1 बाई 2, और माइनस 1 बाई 2 होता है माइनस 0.50, तो और 1 बाई एफ कौन होता है बेटा 1 बाई एफ ही मेरे पास में कौन होता है पावर, तो पावर आ गई माइनस 0.5, और पावर की यूनिट क्या होती है बेटा डायोड, तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे पास में सेकंड ऑप्शन माइनस 0.5 डायोड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, क्या क्या स्टेटमेंट है, दोनों एरिया पे डिपेंड करते हैं जी बिल्कुल नहीं गलत है, बिल्कुल गलत, वो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर जी बिल्कुल करते हैं, r is equals to r naught 1 plus alpha delta t, rho is equals to rho naught 1 plus alpha delta t, ठीक है साहब। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, बिल्कुल सही है, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जी बिल्कुल गलत है, तो हमारे पास में कौन कौन से सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, दो ऑप्शन हमारे पास में राइट है सेकंड एंड थर्ड, तो कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा हमारे पास में थर्ड वाला ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, मोशन ऑफ पार्टिकल, मुझे एक क्वेश्चन दे रखी है y = ut - ½ g² स्क्वायर, एक चीज दिख रही होगी बेटा यहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है g उसको क्या ले रखा है माइनस ले रखा है, दिख रहा है आपको माइनस ही ले रखा है, तो बेटा फोर्स जो लगता है f ग्रेविटी का वो नीचे की तरफ लगता है, तो m माइनस जी, तो बेटा एफ कितना आ गया मेरे पास में माइनस एम जी। क्लियर, इसलिए मैं कौन सा ऑप्शन को टिक करूंगा
फोर्थ कोटिंग करूंगा सेकंड कोने, क्लियर। माइनस क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है कि नीचे की तरफ, नीचे वाले डायरेक्शन को अगले ने कैसा लिया, नेगेटिव लिया, दिखा है तुम्हें जी कैसा ले रखा है, माइनस का ले रखा है, और जी की डायरेक्शन डाउन होती है, नीचे की तरफ होती है, इसलिए नीचे वाले डायरेक्शन को कैसा मानेंगे, नेगेटिव, क्लियर। नेक्स्ट बहुत इजी सा सवाल देखना, सबको बताया बेटा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिसका एरिया जितना ज्यादा होगा उसका प्रेशर उतना ही कम होगा। यहां पर तुम्हें एरिया दिख रहा है क्या, पहले में देखो पहले का एरिया कितना आएगा 200, पहले का एरिया है वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का जो एरिया है वो कितना आएगा, दिस इनटू दिस कितना हुआ, दूसरे का हुआ 10 इनटू 40 कितना हुआ, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरे का बेटा जो रखा है टेबल पे उसका कितना है, ये 40 इनटू 20 कितना हुआ, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिसका एरिया ज्यादा उसका प्रेशर कम होगा, तो सी का प्रेशर सबसे कम, बी का उससे कम सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का, तो मेरे पास में ए का सबसे ज्यादा, उससे कम बी का, उससे कम सी का, तो आई स्टैंड्स विद ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लियर। नेक्स्ट सवाल, क्लियर बेटा, तो तुम्हारे पास में ये जो सवाल थे, हमने फिजिक्स के सारे सवालों का डिस्कशन कर लिया है, पेपर बिल्कुल एवरेज था, कोई ज्यादा टफ नहीं था, क्लियर, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, हम केमिस्ट्री वाला पार्ट कवर करेंगे एनडीए एनए सेकंड वाले पार्ट में। केमिस्ट्री वाले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 51 आई मीन साइड पी का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट इन स्टेनलेस स्टील। वी नो दैट इन स्टेनलेस स्टील द इज एन एग्जांपल ऑफ एलॉय एंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, निकल, क्रोमियम एंड ए नॉन मेटल लाइक कार्बन। सो according to this question, the option is iron, nickel, chromium. These are the part of the stainless steel, but tin, it is not a part of stainless steel. Question mein bhi yehi pucha hai ki not an essential component, the answer is tin. Next question hai, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. List 1 mein process given hai aapko, list 2 mein separation methods given hai. करना ये है कि कौन से वाले प्रोसेस का हम कौन से मेथड से हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट गिवन है सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। इन दिस क्वेश्चन वी नो दैट एसीटोन एंड वाटर, सेकंड ऑप्शन में गिवन है सेपरेशन ऑफ वाटर एंड केरोसिन ऑयल, दीज आर द टू इमिक्सिबल लिक्विड, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क वेल नोन एग्जाम्पल, एंड सेपरेशन ऑफ पिगमेंट फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट, पिगमेंट फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट। एक एक को ध्यान सुनिएगा, पिगमेंट फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट, इनको हमको सेपरेट करने के लिए जिस टेक्निक यूज करते हैं, दैट टेक्निक इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये जो वर्ड है क्रोम, क्रोम का मतलब ही होता है कलर, यानी कि डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने की जो टेक्निक है उसको अपन बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। सेकेंड इसमें क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्रीम फ्रॉम मिल्क मीन मिल्क के अंदर से आपको उसके सॉलिड पार्ट मीन उसके फैट प्रोटीन वाले पार्ट सेपरेट करने हैं, उसके लिए हम उसके सेंट्रीफिकेशन टेक्निक यूज करते हैं। वाटर एंड केरोसिन ऑयल, और एक पूछा है एसीटोन एंड वाटर, वाटर एंड केरोसिन ऑयल, दीज टू लिक्विड्स आर इमिक्सिबल, दोनों के दोनों इमिक्सिबल लिक्विड हैं, और इमिक्सिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करेंगे। एंड एसीटोन एंड वाटर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस के बेस पे हम लोग यहाँ पे डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दी चॉइसेस द ऑप्शन इज एसीटोन एंड वाटर, फर्स्ट का आंसर फोर, फर्स्ट में फोर, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं। सेकेंड सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम केरोसिन ऑयल यूज किया हमने इसके लिए सेपरेटिंग फनल, सॉरी फर्स्ट का थर्ड था, फोर नहीं, फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड के अंदर फोर, और उसके बाद में सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क सेंट्रीफिकेशन, क्लियर हो रहा है, आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ। इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि गैल्वेनाइजेशन के अंदर, देखो गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें बेसिकली यूज करते हैं कि आयरन की जो मेटल है, आयरन लोहा, इस आयरन के ऊपर जिंक की लेयर को हम इसके प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर हम कोट करते हैं, और जिंक की लेयर को जब प्रोटेक्शन के फॉर्म में इसके ऊपर कोट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक की लेयर इसमें हम प्रोटेक्शन के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, कोटिंग के लगा रहे हैं, तो आंसर आएगा जिंक, उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन ए नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सी मिश्र धातु में से इसके घटक के रूप में एक नॉन मेटल होती है, एक नॉन मेटल होती है। तो देखो
ब्रास की भी बात करें तो ब्रास में होती है कॉपर और जिंक मेटल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम ब्रास बोलते हैं। ब्रॉन्ज के अंदर आपको मिलेंगे कॉपर प्लस टिन, इनके अंदर हमको इसको बोलेंगे ब्रॉन्ज। अमलगम, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मर्करी विद एनी मेटल, मर्करी का किसी भी मेटल के साथ में जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं हम अमलगम। और जो स्टील है, स्टील के अंदर अभी बताया पहले क्वेश्चन के अंदर कि इसमें आयरन, निकल, क्रोमियम एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल के फॉर्म में बताया था मैंने आपको कार्बन, कि इसमें कार्बन भी प्रेजेंट होता है एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट। और क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि इसमें से किसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में अवेलेबल है, तो आंसर क्या आएगा अपना स्टील, जिसमें आपके कार्बन एज ए नॉन मेटल प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन है बकमिंस्टर फुलरेन विच लुक लाइक ए फुटबॉल इज एन एलियोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, बकमिंस्टर फुलरेन जो कि फुटबॉल की तरह दिखाई देती है वो किसका फॉर्म है। वेल नोन क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, कार्बन, वी नो दैट कार्बन हैव थ्री एलियोट्रोपिक फॉर्म, दैट्स नॉन डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन, एंड इन विच द फुलरेन उसकी जो स्ट्रक्चर है वो फुटबॉल की जैसी है, इसमें भी यही पूछा है लुक लाइक ए फुटबॉल, देन आंसर इज कार्बन, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें एक रिएक्शन गिवन है Fe2O3 plus 2Al 2Fe plus Al2O3, और पूछा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन गिवन है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन वॉट, कि हाई रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लो रिएक्टिव फ्रॉम देयर मेटल सॉल्ट। तो लो रिएक्टिव मेटल है आयरन एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सो एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस आयरन मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट, और ऐसा यहाँ पे हो भी रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल तो ये है। इट इज एन हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन, नो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, बिकॉज ये जो रिएक्शन है ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है थर्माइट प्रोसेस का, और थर्माइट प्रोसेस एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट के इसके अंदर हीट रिलीज होती है, और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से इस रिएक्शन का यूज़ हम रेलवे ट्रैक्स के जॉइंट्स को भी, रेलवे ट्रैक्स को भी हम जॉइंट करने के लिए काम ले सकते हैं। तो ये एंडोथर्मिक इसने बोला है, तो एंडोथर्मिक तो इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट ओपन चेक करते हैं, Fe2O3 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन वॉट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन दैट सेल्फ रिडक्शन टेंडेंसी, दैट हैव सेल्फ रिडक्शन, चेक करेंगे Fe2O3 हैव ऑक्सीजन मोली और एटम्स, बट हेयर आफ्टर द रिएक्शन देर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, और यदि रिडक्शन हुआ मतलब Fe2O3 वर्क करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बात तो इसमें सही है। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन इज एप्लीकेबल टू जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, अभी बोला कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से इसमें इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है कि उस हीट का यूज़ हम वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर भी करते हैं, रेलवे ट्रैक्स को जॉइनिंग के लिए भी करते हैं, तो ये इसका ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन ने पूछा है सही कौन सा नहीं है, तो सही तो बेटा ये वाला सही नहीं है, सेकेंड ऑप्शन की हाईली एंडोथर्मिक है, हाई एंडोथर्मिक नहीं, इट इज आंसर इज एक्सोथर्मिक, ऑप्शन इज सेकेंड इज करेक्ट। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, लिस्ट वन केमिकल प्रोसेस, लिस्ट टू रिएक्शन, इसमें पूछा है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन से मैच करती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मीन वाटर को हम डीकम्पोज कर रहे हैं बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर, और यदि ये डीकम्पोज हो रहा है तो डीकम्पोजिशन का एक ऑप्शन दे रखा है, ये रहा डीकम्पोजिशन रिएक्शन फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट के अंदर थर्ड, यानी कि ये वाला और ये वाला ऑप्शन। सेकंड इसमें दे रखा है बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन या तो ये वाला और ये वाला, अभी दो मैच कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन आने की संभावना है। आयरन नेल इमर्ज इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नेल मतलब Fe इमर्ज इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वी नो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर, सो इट इज इट कैन इजिली डिस्प्लेस टू कॉपर मेटल फ्रॉम दैट सॉल्ट सॉल्यूशन, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी मैच कर रहा है। एडिशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड मीन BaCl2 टू एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट मीन Al2SO4 होल थ्राइस, इनको जब आप रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे कैटाइन और एनायन आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं और एक्सचेंज होने वाली इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये भी मैच हो रहा है इसका वन, तो ऑप्शन आएगा इसका थर्ड वाला।
क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, किसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रखी है? इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल में किसी भी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है क्योंकि पेट्रोल को जब आप इवेपोरेट करोगे तो इवेपोरेट करने का मतलब क्या कि वो हल्के से टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड सॉरी गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड है गैस में कन्वर्ट हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। वाटर में सॉल्ट का डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, किसी गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन को भर के रखना वो भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। बट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन से रिएक्शन जरूर होती है वैसा, और बनता है इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये केमिकल रिएक्शन का पार्ट है, तो इसका आंसर आएगा 4। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। Which one of the following metal does not react with cold water to liberate hydrogen gas? कौन सी मेटल है जो कि कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती? इसी दूसरी बात यह है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती। देखो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करना और नहीं करना वो डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम तीनों मेटल आपके हाईली रिएक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू आयरन, और वी नो दैट आयरन मीन Fe कि यदि हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये नॉर्मल वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, हालांकि हाइड्रोजन रिलीज करता है बट ये नॉर्मल वाटर से रिएक्ट करके नहीं करेगा। यहाँ पे हमको स्टीम चाहिएगी, क्या चाहिएगी? स्टीम मतलब हाई टेम्परेचर वाला वाटर, इसको वेपर प्रेशर वेपर फॉर्म में भी हम ले सकते हैं, वो यदि यहाँ पे अवेलेबल है तो ये रिएक्शन कंसिडर हो सकती है। क्वेश्चन में पूछा है डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर नहीं यहाँ पे स्टीम आएगा, इस वजह से आंसर क्या है अपन आयरन। Consider the following reaction. A chemical reaction given है इसमें 2HGO plus convert into 2HG plus O2. पूछा है कि the respective state of mercuric oxide, mercury and oxygen the Weber reaction is. We know that mercuric oxide, a oxide of mercury, it is solid. Mercury we know that liquid metal. On oxygen is gas. Example of gas. Then solid, liquid and gas. ये पूछा है इसमें ये और ये कौन सी state के अंदर present होंगे? तो solid, liquid और gas में present होंगे. एक ही ऑप्शन है सॉलिड लिक्विड गैस, आंसर इज 4th। ए लिक्विड इज हीटेड अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड कॉरस्पॉन्ड टू द बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड। ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक लिक्विड को जब आप हीट करते हो तो वो कौन से टेम्परेचर पे या कौन सी कंडीशन हैं जो उसकी बॉइल होने के लिए करेक्ट रहेगी, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है? देखो बॉइलिंग का कंडीशन क्या है, बॉइलिंग बोला है तो बॉइलिंग के लिए हमको बॉइलिंग पॉइंट का पता होना चाहिए, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है बेटा एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड को हम लोग गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं लेकिन उसका प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm के इक्वल। यदि ये वाली कंडीशन लग रही है कि एट ए सर्टेन टेम्परेचर इन विच लिक्विड कन्वर्ट इन टू गैस एट 1 atmospheric प्रेशर देन दिस सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि प्रेशर जो है वो 1 atm के बराबर हो जाना चाहिए। चेक करते हैं when atmospheric pressure become equal to the vapor pressure, when atmospheric pressure become less than vapor pressure, higher than vapor pressure, or when vapor pressure become equal to the air pressure. गलत बात, इसमें बोलेंगे atmospheric pressure become equal to the vapor pressure, then answer is 1st. Next, which one of the following is not an example of organic compound? कौन सा है जो organic compound का example नहीं है? यदि हम ammonium cyanide को देखें तो अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4+ NCNO-, NH4+ एंड CNO-। ये जो कंपाउंड है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट, मार्स गैस मैथेन को बोलते हैं, केन सुगर C12H22O11 को बोलेंगे, और यूरिया इट इज NH2CONH2। इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्कवर हुआ था, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड वो यही था। तो उसमें क्वेश्चन में पूछा है कौन सा ऑर्गेनिक नहीं है, तो अमोनियम साइनेट इज एन एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ फॉर क्लीनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिकल। कौन सा एसिड है जिसको सुनार या स्वर्णकार सोने और चांदी की वस्तुओं को साफ करने के लिए यूज करते हैं? तो बेटा वो एसिड है नाइट्रिक एसिड, डायरेक्ट याद करने का क्वेश्चन है, लर्निंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्शन ऑफ लिटमस ऑन मेथेनॉल? एथेनॉल पे लिटमस का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो बात ऐसी है कि एथेनॉल जो है वो होता है वीक एसिड,
और वीक एसिड हम बोलते हैं उसके लिए जब वो हम इफेक्ट चेक करें उसकी केमिकल रिएक्शन के लिए। लेकिन यदि हमसे लिटमस का पूछा है तो लिटमस वाली कंडीशन के अंदर जो एथेनॉल है वो न्यूट्रल रहेगा, और न्यूट्रल यदि रहेगा तो न्यूट्रल वाली कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो आपका बनता है कि लिटमस इज न्यूट्रल टुवर्ड्स एथेनॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन पूछा है ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, और डी कलराइज, ना डी कलराइज का ऑप्शन नहीं है, लिटमस इज न्यूट्रल टुवर्ड्स एथेनॉल। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर लेके कौन सी मेटल को हम सेपरेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे केवल एक जिंक का एग्जांपल है, बिकॉज जिंक ऑक्साइड यानी कि जिंक का ओर इसको बोलते हैं हम लोग कैलामाइन, और ये कैलामाइन के यदि रिएक्शन हम कार्बन से करवाते हैं तो ये कन्वर्ट होता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, यानी कि यहाँ से आप जिंक को सेपरेट कर सकते हो। और जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप किसी रिड्यूसिंग एजेंट को एज ए एक्सट्रैक्शन एजेंट काम ले रहे हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्मेल्टिंग। क्या बोलेंगे? स्मेल्टिंग। तो इसमें आंसर क्या आएगा अपना? जिंक। Which among the following is not true with respect to colloidal solution? Colloidal solution के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, not correct? देखो colloidal solution के लिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, पार्टिकल्स के आई मीन पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो भी डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल है जो कि कॉलोइड का पार्ट है वो सारे के सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कॉलोइडल सॉल्यूशन इज होमोजीनियस इन नेचर, गलत बात, होमोजीनियस नहीं होता, कॉलोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस है। अभी बोला दो फेज होती है इसमें, कौन कौन सी? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, जो वर्क करती है एज ए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस नहीं होते, हेट्रोजीनियस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो गया। टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। डू नॉट शो सेटल डाउन व्हेन कैप्ट अनडिस्टर्ब, बिल्कुल ये सेटल डाउन नहीं होते, बिल्कुल ये बात भी सही है। शांत रखे जाने पर नीचे नहीं बैठते क्योंकि इन पर ग्रेविटी वर्क नहीं करती, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। कौन सा पूछा है? सही नहीं है, नॉट करेक्ट, देन होमोजीनियस इन मिक्सचर या होमोजीनियस इन नेचर इज द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट, केरोसिन एंड पेट्रोल, केरोसिन एंड पेट्रोल, केरोसिन और पेट्रोल की यदि बात करें तो पूछ रहा है कि कैन बी बेस्ट सेपरेटेड बाय, केरोसिन और पेट्रोल को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो? तो केरोसिन और पेट्रोल दोनों के दोनों बेटा क्रूड ऑयल से ऑप्टेन होंगे, और क्रूड ऑयल से ऑप्टेन होने के अलावा इनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम होता है, लगभग लगभग सेम बॉइलिंग पॉइंट वाले ये होते हैं। और जब भी हमको सेम बॉइलिंग पॉइंट वाले टू मिक्सेबल लिक्विड हमको दे रखे हों तो उनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Next, as proposed by Dalton, which of the following symbol represent phosphorus? अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सोचा नहीं गया था कि ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, लेकिन अब बन गया तो इंपॉर्टेंट हो गया कि फास्फोरस को किससे रिप्रेजेंट किया था अकॉर्डिंग टू डाल्टन। तो देखो यहाँ पे जो ये P लिखा हुआ है, इसके अलावा L एक सिंबल इस तरीके से दिया हुआ है और एक सिंबल इस तरीके से दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन आपको बता दिया जाए तो यहाँ पे जो L है ये इंडिकेट करता है लेड को, ये इंडिकेट करता है लेड को। ये जो पी है ये इंडिकेट करता है प्लेटिना को, किसको? प्लेटिना। ये जो प्लस का साइन बीच में लगा हुआ है ये इंडिकेट करता है सल्फर को अकॉर्डिंग टू डाल्टन, और ये जो इंडिकेशन है ये वाला ये इंडिकेट करता है आपके फास्फोरस को, किसको करेगा? फास्फोरस को। तो हम क्वेश्चन यही पूछा है फास्फोरस को कौन इंडिकेट करता है, तो फास्फोरस को ये वाला ऑप्शन इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट, Which among the following statement with respect to carbon is are correct? ये पूछा है कि कार्बन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला पूछा है कार्बन सभी सजीवों और अनेक वस्तुओं जिनका हम उपयोग करते हैं का आधार है। बिल्कुल सही बात है, सब जगह कार्बन ही कार्बन है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी हम यूज करते हैं वो सब जगह कार्बन से बने हुए हैं। टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट, ये भी ठीक है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा क्योंकि बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल और टेट्रा बॉन्ड, ट्रिपल और टेट्रा बॉन्ड का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये कार्बन और कार्बन मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड का तो फिर भी ठीक है लेकिन टेट्रा बॉन्डिंग तो पॉसिबल ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, तो ये इसका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन में पूछा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, अभी बोला फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, कौन से ऑप्शन में है? थर्ड में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट, अभी जीके वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन यही थे, उम्मीद है आप लोगों ने सभी से बेटर किया होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड डे। जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे
एनडीए बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें किसकी आवश्यकता नहीं है, यानी यहाँ पर पूछा क्या है, किसकी आवश्यकता नहीं है। तो आपको पता है कि सबसे पहले इसके अंदर ऑप्शन है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल है इसकी आवश्यकता होती है, प्लस CO2 है इसकी भी आवश्यकता फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होती है, प्लस वाटर की भी आवश्यकता किसमें होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो वाटर है उसकी आवश्यकता होती है, और आगे जो ऑप्शन है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर इसके अंदर क्लोरोफिल CO2 वाटर तीनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यहां पर क्या पूछा गया है, किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो यहां पर देखिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, क्योंकि यहां पर इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस होती है उसमें वाटर CO2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, प्लस क्लोरोफिल है इसकी भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, और प्लस लाइट की भी आवश्यकता होती है, यहां पर आवश्यकता किसकी नहीं होगी, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो हो गया फोर्थ, ऑक्सीजन फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54 नंबर, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, किसमें पूछा है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स DNA कंटेंट ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट्स हाफ्ड ड्यूरिंग। पुष्पीय पादपों में, यहां पर क्या पूछा गया है, पुष्पीय पादपों में जनक पादप का DNA अंश किसके दौरान आधा हो जाता है, किसके दौरान आधा हो जाता है। पहला ऑप्शन यहां पर दे रखा है सीड जर्मिनेशन, सीड का जब जर्मिनेशन होता है तो DNA जो है उसका अंश क्या नहीं होता, आधा नहीं होता। सेकेंड इसमें फ्रूट फॉर्मेशन, फल का बनना। थर्ड ऑप्शन है फ्लावर एंड बर्ड फॉर्मेशन, पुष्प कलिका का बनना, और फोर्थ है पोलन फॉर्मेशन। तो यहां पर इसके अंदर ये पूछा है कि डीएनए कंटेंट है वो हाफ कब हो जाता है, तो वो कब होता है इसके अंदर, पोलन फॉर्मेशन प्रोसेस के दौरान। पोलन फॉर्मेशन यानी पराग बनना, जब परागकण बनते हैं उस दौरान इसके अंदर डीएनए कंटेंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होते हैं यानी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें कौन सी सीक्वेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान करेक्ट होती है। तो यहां पर पहला ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है, इसके अंदर फर्स्ट इसमें एग, उसके बाद में जायगोट, जायगोट से आगे इसके अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और इसके बाद में आगे इसमें एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद में यहां पर इसके अंदर यहां पे दे रखा है नेक्स्ट इसमें एम्ब्रियो से एग, एग से इसमें जायगोट, जायगोट से सीड। थर्ड ऑप्शन इसमें दे रखा है एग, एम्ब्रियो, जायगोट, जायगोट से सीड। फोर्थ ऑप्शन इसमें दे रखा है एग, सीड, जायगोट एंड एम्ब्रियो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर इसके अंदर एग, एग से इसके अंदर क्या बनता है, इसमें जायगोट, जायगोट से इसके अंदर बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनता है, सीड बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर इसके अंदर हो गया फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट, यहां पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब एंजियोस्पर्म में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एग, एग से जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से किसका फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द ग्रीन प्लांट इन ए टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम अब्सॉर्ब सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। द परसेंटेज सोलर रेडिएशन अब्सॉर्ब्ड बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। तो यहां पर क्या पूछा गया है कि जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है उसमें जो सोलर रेडिएशन जो है वो लीव्स पे फॉलो अप होती है, लीव्स पे गिरती है, तो वहां पर इसके अंदर जो ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो कितना पार्ट है, कितना परसेंटेज है अब्सॉर्ब करते हैं। तो यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर कितने परसेंट करता है, 1% आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 1।
फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर ऑर्गेनिज्म दैट क्रिएट जेनेटिक डायवर्सिटी इन ऑफ स्प्रिंग आर. तो यहां पर क्या पूछा गया है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो ऑफस्प्रिंग जो होती हैं, जो ऑफस्प्रिंग जो होती हैं, उसमें क्या आती है, जेनेटिक डायवर्सिटी आती है. क्या आती है, जेनेटिक डायवर्सिटी आती है. वो किस कारण से आती है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टर हैं जिनके कारण जेनेटिक डायवर्सिटी आती है. तो इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन. जो मियोसिस की प्रोसेस है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इसी के कारण क्या आती है, जो हायर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होगी, जेनेटिक डायवर्सिटी है वो क्रिएट होती है. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक सेल्स. क्या पूछा है, यूकैरियोटिक सेल आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट. यानी जो यूकैरियोटिक सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है. आगे दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. किसके कारण कि यूकैरियोटिक सेल है उसमें कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो इसमें प्रेजेंट होती है. सबसे पहले दिया हुआ है सेल वॉल. तो सेल वॉल जो है प्रोकैरियोटिक जो है उसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी प्रेजेंट होती है इसमें. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है. न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है. लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनल्स है ये ओनली इसमें किसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पर इसके अंदर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर. तो यहाँ पर इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा 4th. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा यूकैरियोटिक सेल आर मच मोर कॉम्प्लेक्स कॉम्पेयर्ड टू प्रोकैरियोट. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. जो ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होती है. तो यहां पर यूकैरियोटिक सेल्स में ओनली क्या प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर 4th. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ टूथ डीके बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स इज बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू अटैच टू टीथ सरफेस बाय प्रोड्यूसिंग स्लाइम लेयर फॉर्म. यहां पूछा गया है बैक्टीरिया है एक बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स द्वारा दंत छे का एक महत्वपूर्ण कारण अवपंक परत उत्पन्न करने के जरिए दांत की सतह पर चिपक जाने की क्षमता है. किससे वे अब अवपंक परत उत्पन्न करते हैं. क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया है, अवपंक परत जो बनी है यानी जो स्लाइम लेयर बनी है वो किससे बनी है, किसके ऊपर रिएक्शन हुई जिसके कारण से स्लाइम लेयर है उसका फॉर्मेशन हुआ. तो देखिए यहां पर इसके अंदर आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो स्लाइम लेयर वो बनती क्यों है. जैसे इसके अंदर जो टीथ है उसकी सफाई अच्छे से नहीं होती है, फूड पार्टिकल्स है वो यहाँ पर इसके अंदर क्या हो जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, जिसके कारण से बैक्टीरिया है वो वहां पर रिएक्शन करते हैं. यानी वो रिएक्शन किन पे करते हैं, तो यहाँ पर ये पूछा रिएक्शन किन पे करते हैं, तो वो किस पे करते हैं, वो करेंगे शुगर पे. किस पे करेंगे, शुगर पे रिएक्शन करते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है जिसके कारण से टीथ डीके होता है. लेकिन यहाँ पर ये पूछा है कि किसके कारण स्लाइम लेयर बनती है, किसके ऊपर प्रोसेस से स्लाइम लेयर बनती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुगर आ जाएगा. तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, शुगर. यानी इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एंजियोस्पर्म जो है फ्लावरिंग प्लांट है उनसे पूछा है. ये क्या पूछा है, इन एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस टू मेल गैमेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय दीज गैमेट्स. अब यहां पे क्या पूछा है कि जब एंजियोस्पर्म जो है उनमें आपने पढ़ा होगा कि जो पोलन ग्रेन जो होते हैं जब जर्मिनेट होते हैं तो उसमें कितने मेल गैमेट होते हैं, टू मेल गैमेट होते हैं. ठीक है, वो टू मेल गैमेट है क्या फंक्शन करते हैं, आगे जाकर इसके अंदर क्या फंक्शन करते हैं. तो आपको पता होगा कि एक जो मेल गैमेट जो होता है वो तो इसके अंदर एग सेल के साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है. एक तो फ्यूज हो जाता है किसके साथ, एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है. और दूसरा जो क्या करता है, डिप्लोइड जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसके साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है. ठीक है, तो यहां पर इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है बोथ द गैमेट फ्यूज विद ए सिंगल एग सेल. यानी यहां पर दिया हुआ कि दोनों युग्मक एक अंड कोशिका के साथ संगलित या विलय हो जाते हैं.
तो ये तो इसमें सही नहीं है, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। सेकंड है, बोथ द गैमेट फ्यूज विद टू डिफरेंट एग सेल, दोनों युग्मक दो भिन्न अंड कोशिकाओं के साथ संगलित हो जाते हैं, ये भी क्या है, गलत है। आगे इसमें क्या, वन गैमेट फ्यूज विद द एग सेल, ये बात तो सही है, लेकिन एंड द अदर वन इवेंचुअली डीजनरेट, दूसरा डीजनरेट हो जाता है लेकिन डीजनरेट नहीं होता है, तो ये भी क्या है इसके अंदर ऑप्शन, गलत, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, वन गैमेट फ्यूज विद द एग सेल, सही है, वन गैमेट है वो एग सेल के साथ क्या होता है, फ्यूज होता है, एंड अदर फ्यूज विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, फ्यूज होता है, तो ये बात इसमें सही है, तो ये इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, टू मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, एक इसके अंदर एग सेल के साथ यहाँ पर इसके अंदर फ्यूज होगा और दूसरा किसके साथ होगा, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो यहाँ पर इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट बोथ फॉर द पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग, पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग दोनों के लिए यहां पर इसके अंदर क्या है, कौन सा कथन है वो उपयुक्त है, कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, तो यहां पर इसके अंदर क्या पूछा है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज बट डीएनए कंटेंट रिमेन कॉन्स्टेंट, तो ये इसके अंदर सही नहीं है। सेकेंड इसमें दे रखा है, बोथ क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी पूछा क्या है यहां पर, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग है उसमें डीएनए की और क्रोमोसोम की क्या यहां पर इसके अंदर कंडीशन है आगे रहेगी, तो आपको इसके अंदर पता होगा कि दोनों के अंदर बोथ क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट रिमेन कॉन्स्टेंट, ये क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर टू, तो यहां पर इसके अंदर नंबर टू क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जो रिलेशनशिप बिटवीन ए फ्लावर एंड हनीबी विल हेल्प द फ्लावर फॉर इन, किसी पुष्प और मधुमक्खी के बीच का संबंध पुष्प में किसके लिए किसमें सहायक होगा, तो यहां पर इसके अंदर फ्लावर और जो हनीबी है इसका क्या पूछा आपको, फ्लावर और हनीबी का रिलेशन पूछा है, क्या है कि फ्लावर है वो क्या करते हैं और हनीबी है उसका फ्लावर के साथ क्या रिलेशन है, तो आपको पता है कि यहां पर सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, फास्टर डेवलपमेंट, द्रुत विकास की डेवलपमेंट है वो क्या होगा, तेज होगा, तो ऐसा कोई इसके अंदर क्या नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला दे रखा है इसके अंदर इन पोलिनेशन परागण, तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट। आपने इसके अंदर पढ़ा होगा कि जो फ्लावर होते हैं और हनी बी होते हैं, ठीक है ना, तो जो फ्लावर जो होता है इसका जो जूस है वो सक करने के लिए जो हनी बी है फ्लावर के पास पहुंचती है ना, जिसके कारण से जो पोलन ग्रेन है उससे अटैच हो जाते हैं, वो अदर प्लांट तक पहुंच जाते हैं, तो ये कौन सी प्रोसेस है, पोलिनेशन, तो ये किसमें हेल्प करेगी, हनी बी किसमें हेल्प करती है, पोलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करती है, इसलिए इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर नंबर टू, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या गया था, रिलेशनशिप बिटवीन अ फ्लावर एंड हनी बी विल हेल्प द फ्लावर फॉर इन, किसमें हेल्प करती है, तो किसमें हेल्प करती है, हनी बी पोलिनेशन के अंदर हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो पुष्पी पादप है उसमें जो जनन होता है उसमें कौन सा क्रम है वो सही है, तो यहां पर इसके अंदर सबसे पहले है, यहां पर इसके अंदर ओव्यूल से इसमें फ्रूट है, ओव्यूल से फ्रूट है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, फिर इसके अंदर एग से इसमें एम्ब्रियो, ये सही बात है, इसमें एग से एम्ब्रियो बनता है, लेकिन यहीं पे इसके अंदर ओव्यूल है उससे फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो ओवरी से होता है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर इसके अंदर एम्ब्रियो से यहाँ पर इसके अंदर एम्ब्रियो से एग है उसका फॉर्मेशन नहीं होता यहाँ पर इसके अंदर, इसीलिए यही इसमें ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। आगे इसके अंदर ओवरी से यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर फ्रूट बनता है, सही है। यहाँ पर इसमें जाइगोट से इसके अंदर यहाँ पर एग बनता है, ये इसके अंदर सही
नहीं है, क्योंकि एग है उससे जायगोट बनता है, ना कि जायगोट से एग बनता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। उसके बाद में है इसके अंदर एग, एग से इसके अंदर क्या बनता है, जायगोट बनता है, सही है। और इसके बाद में इसमें जायगोट, जायगोट से इसमें एम्ब्रियो बनता है, ये भी इसमें सीक्वेंस सही है। ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है, ओवरी, ओवरी से इसके अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसके अंदर सही सीक्वेंस है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जय हिंद टू एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट द सीएलसी सीकर। मैं अभिषेक द्विवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने सीएलसी परिवार में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनडीए के अंतर्गत जो आज का पेपर हुआ है एनडीए 2023 का, उसी पेपर का सोल्यूशन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं करंट अफेयर के साथ, पूरे मैं जनरल स्टडीज पेपर को आपके साथ डिस्कस करूंगा। टोटल अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंतर्गत 49 क्वेश्चंस आए थे। करंट अफेयर का एज यूजुअल वेटेज रहा 11 क्वेश्चंस। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस कम आए, लगभग 4 क्वेश्चंस आया। और ज्योग्राफी की अगर एज यूजुअल बात करते हैं, ज्योग्राफी इकोनॉमी मिलाकर के, तो 90-20 क्वेश्चंस आए। हिस्ट्री एज यूजुअल अगर बात करता हूं तो यहां इस बार 16 क्वेश्चंस आए। तो ओवरऑल 49 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहां पर। तो हम जैसा कि डिस्कस करना चाहते हैं आपके सामने, इस पेपर को बेहतर तरीके से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर सॉल्यूशंस आपको दिए जाएंगे सीएलसी परिवार के द्वारा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कारवां। जैसा कि आप पहला प्रश्न यहां पे देख पा रहे होंगे, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें प्यारे बच्चों, यहां पे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, यहां पे जो आपका अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, द बुक नेशन फर्स्ट, यानी कि राष्ट्र प्रथम ना, 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, द बुक नेशन फर्स्ट, The Golden Saga of 82 years is the history of which one of the following organizations? तो यहां पे इंडो-तिब्बत ITBP की अगर बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात करें, तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो CRPF है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत आता है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ना। और अगर हम बात करते हैं तो इसका पुराना नाम हुआ करता था इंपीरियल सर्विसेज हुआ करता था ना, अंग्रेजों के टाइम पीरियड में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो यहां पे जो बुक है नेशन फर्स्ट की गाथा, किस संगठन का इतिहास है, वो है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा, और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत आती है। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया। हम अगले क्वेश्चन की ओर अगर मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे अगर आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर जैसे कि अगर हम मूव ऑन करें, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सांची एंड इट्स आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। व्हेन सांची वाज डिस्कवर्ड इन 1818, थ्री ऑफ इट्स 4 गेटवेज वर स्टिल स्टैंडिंग, द फोर्थ वाज लाइंग ऑन द स्पॉट वेयर हैड फॉलन। एनिमल डिपिक्टेड एट अ सांची इंक्लूड एलिफेंट, हॉर्स, मंकी। यहां पे मंकी नहीं था ना, एंड तो यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप जज कर पाए तो यानी कि स्टेटमेंट वन इज द ट्रू एंड द सेकंड इज द फॉल्स। तो यहां पे आप ये कह सकते हो वन इज द ट्रू। क्लियर टू एवरीवन, पहला जो ऑप्शन है वही सही है, सेकंड वाले में मंकी जो ऑप्शन आ जाने की वजह से गड़बड़ हो गया। तो यानी कि आप कह सकते हैं 58 का ओनली फर्स्ट। आगे की ओर मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप जानते हो कि इकोनॉमी इट इज अ पार्ट ऑफ अ ज्योग्राफी, और करंट इकोनॉमी से क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी डायरेक्ट। 5-year प्लानिंग अगर मैं बात करता हूं तो ईच एंड एवरी ईयर आता है, इवन दो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना हो जाने, क्योंकि रिप्लेस कर दिया गया प्लानिंग कमीशन को और नीति आयोग के द्वारा। तो यहां से क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर बन रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है जो 5-year प्लान है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण आधारित वृद्धि प्रक्रिया पर केंद्रित थी? विच 5-year प्लान फॉर इंडिया फोकस्ड ऑन द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड ग्रोथ प्रोसेस। तो सेकंड 5-year प्लान विल बी द राइट आंसर। सेकंड जो 5-year प्लान होगा वो बिल्कुल बेहतर है। इसके साथ अगर हम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। आगे अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 16वीं शताब्दी की रचना चंडी मंगल का रचनाकार कौन था? तो आप कह सकते हो मुकुंदराम चक्रवर्ती। कौन? मुकुंदराम चक्रवर्ती विल बी द राइट आंसर। ये ऐसे आते हैं क्वेश्चन। मिक्षकटिकम
अप्रैल 2023 का जो फर्स्ट एनडीए हुआ था उसमें मृक्षकटिकम पूछी गई थी, शुद्धक के द्वारा रची गई। तो आप ये कह सकते हो कि एंशियंट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप। अब आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर अगर मूव ऑन करें तो आप देख पाएंगे स्क्रीन पे 61 क्वेश्चन। देखो बड़ा ही इस बार जो हिस्ट्री का पैटर्न था वो आप ये कह सकते हो कि हिस्ट्री का जो पैटर्न था वो ऐसा क्वेश्चन आया था इस बार हिस्ट्री में कि आप कह सकते हो कि मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल को क्रिएट करना था और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आए थे। तो यहां पे आप देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रॉयल सेंटर इन द विजयनगर एम्पायर। द रॉयल सेंटर ईच एंड एवरी ईयर एनडीए के एग्जाम्स की अगर आप बात करोगे, वन ईयर की अगर मिस की बात करें तो हर साल आपके एनडीए के एग्जाम में विजयनगर बहमनी एम्पायर देखने को मिल सकता है। ठीक है? और जैसा कि पिछली बार भी आया था विजयनगर साम्राज्य के फाउंडर पूछा था, इस बार क्या पूछ लिया गया उसी से रिलेटेड दूसरा सर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। द रॉयल सेंटर वॉज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। ट्रू। इट इंक्लूड ओवर 60 टेम्पल्स। ट्रू। अबाउट द 30 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एट द साइट हैव बीन आइडेंटिकल एज अ प्लेसेस। ट्रू। तो मैं कह सकता हूं थर्ड विल बी द राइट आंसर। थर्ड विल बी द राइट आंसर, कुछ भी नहीं करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कथन कौन सा सही नहीं है? एरिया वाइज मध्य प्रदेश इज द फोर्थ। नो डाउट। हाँ, यही क्वेश्चन विच इज द नॉट करेक्ट, यही करेक्ट नहीं है। हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है, जीप टीपी में गुजरात का कंट्रीब्यूशन, गुजरात है महाराष्ट्र का है ही है, तो ठीक है आपको परसेंटेज नहीं भी पता है फिर भी अप्रोक्सीमेटली 7 प्लस है। ठीक। तेलंगाना भारतीय महाद्वीप के प्रायद्वीप के मध्य में, डेक्कन के प्रायद्वीप, बिल्कुल सही है। तो विच ऑफ द कफा स्टेटमेंट इज और नॉट ट्रू। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि गलत है स्टेटमेंट। तो यहां पे आपको नॉट ट्रू सर्च करना था, तो बहुत आसानी से आप कह सकते हो सबसे बड़ा राज्य अपना प्यारा राजस्थान, आप पड़ोसी कर, ठीक है सबसे ना। तो यहां पे जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडेंटिकल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन की बात कर रहा है, कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल की अगर बात करी जाए तो रेंगुर सॉइल होगा। तो क्या होगा? रेंगुर सॉइल। तो विल बी द राइट आंसर। और ज्योग्राफी में एक अगर बेसिक एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन की बात करता हूं और अपने सीएलसी की बुक्स की बात करता हूं तो वहीं से क्वेश्चन विड्रॉ किए गए। आगे की बात। Where is the Central Institute of Buddhist Studies situated? अब आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो सकते हो लिटिल बिट, या हिमाचल में होगा या लद्दाख में होगा। लद्दाख से क्वेश्चन इसलिए बन रहे, न्यूली यूनियन टेरिटरी बनी है इसलिए यहां से क्वेश्चन बन रहे। तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द बुद्धिस्ट स्टडीज सिचुएटेड। तो आप कह सकते हो लेह विल बी द राइट आंसर। क्या होगा? लेह। Consider the following statement about the physical feature of India. The southern post point of the peninsular plateau is formed by the Nilgiri Hills. Where is the eastern and western ghat meets? Na? To next. The Cardamom Hills may be regarded as the constitution of eastern ghats. To yahan pe na, the southern point of peninsular plateau is formed by Nilgiri Hills. Where the eastern and western ghat? Bilkul. First is the right answer, but second is the not right. Clear? To yahan pe aapka statement one will be the right. Next, which of the following is the narrow belt parallel to the Shivalik foothills and where the streams and a river coming from the mountains deposit heavy material of a rock and a builder? तो आप यहां से आसानी से कह सकते हो भाभर will be the right answer. ठीक। आगे की ओर move on करते हैं। Which of the following statements about the Suez Canal? Suez Canal की बात करते हैं। तो is a correct. मैक्सिमम आप देख रहे होगे कि चाहे हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे लिटिल बिट, जो है यूपीएससी का ये पैटर्न रहा है। और अब अगर आप यूपीएससी सीएससी की बात करते हो तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अब एनडीए और सीटीएस ने इसको मैक्स प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम पोर्शन को अडॉप्ट किया है। तो स्विस इज अ मेड नेविगेशन कैनाल, बिल्कुल सही है। नेविगेशन भाई जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है मैक्सिमम उसका पार्ट होता है सी वे के थ्रू, तो विल बी द राइट आंसर। स्विस लिंक्स मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ स्विस कैनाल इज लेस देन दैट ऑफ पनामा कैनाल। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर इसकी इंपॉर्टेंस थी तभी इसको बिल्डअप किया गया, कम नहीं है। तो यह स्टेटमेंट थोड़ा सा क्या होगा, आउट ऑफ ट्रैक है। फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी द राइट आंसर। तो यहां पे वन एंड टू विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? आई होप सभी को बातें समझ में आ रही। आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अगर आप मूव ऑन करते हो तो भूदान आंदोलन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पे क्या करा, विनोबा भावे ऑर्गेनाइज द सर्वोदया समाज, टेक इट द वर्क ऑफ अ नॉन वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? जयप्रकाश नारायण विड्रो फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स टू ज्वाइन द भूदान मूवमेंट। ओके।
In the week of Bhudan movement, the first donation of the land was made in the village of Pancholi, Telangana. It's true with the हम तो जाएंगे third के साथ, तो बिल्कुल यही इसका right answer होगा. आगे, which among the following statements regarding the election of a non-permanent members of United Nations Security Councils? तो यहाँ पे कह रहा है कि बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर आपको चुनना है. आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की एस्टेब्लिशमेंट की गई कब की गई, 24th of October 1945 को की गई, 1940. और आप ये भी जानते हो कि इसके 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है. टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज की अगर आप बात करते हो तो 193 है. स्टेट ऑफ फिलिस्टीन एंड साउथ सूडान बिकेम एज द स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर कंट्रीज. क्लियर? तो यहां पे ओवरऑल अगर आप देखते हो तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी द ट्रू बट सेकेंड इज द नॉट ट्रू. क्लियर है? तो ये विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटी. पॉलिटी में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है. फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चोल डायनेस्टी थी, वहां से आर्टिकल्स की बात करता है. 243 से अमूमन आपका ये आर्टिकल्स स्टार्ट हो जाते हैं, जेड जी तक जाते हैं. तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो भारत के संविधान में कौन सा उपबंध जिला योजना समिति से संबंधित है, 243 ZD. Consider the following statement about the Attorney General of India is a legal advisor of the government. तो यहां पे आप देखेंगे कि Attorney General of India यानी कि भारत का महान्यायवादी जिसे भारत का विधिक सलाहकार कहा जाता है, see, yeah, he is the first law officer of a government of India. He has a right to speak in any house of a parliament without any right to vote. CR, he is appointed by the President of India. CR, he is whole time counsel for the government in the court of law. देखिए, अब आपको बता दूं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी अपॉइंटमेंट किया जाता है और लोकसभा राज्यसभा अपर हाउस लोअर हाउस दोनों में जाकर के सिटिंग करता है, इसको वोट देने का अधिकार नहीं होता. दे हैव नॉट वोटिंग राइट्स. तो यहां पे आप कह सकते हो सी इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट. बिल्कुल, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉ ऑफिसर है. सेकंड लॉ ऑफिसर होता है सॉलिसिटर जनरल. थर्ड होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. आर्टिकल 76 डिफाइन अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो यहां पे आप ये कह सकते हो कि यहां पे जो लास्ट स्टेटमेंट है सीआर ही होल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यही गलत है. तो यानी कि यहां ऊपर के तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. 1, 2, 3 चेक. Which among the following states was not impacted by the land boundary agreement treaty and Bangladesh between 2000? आप जानते हो कि हमने land boundary treaty करी है, यानी कि constitutional amendment किया है, local boundary agreement जिसे LBA कहा जाता है, और वो किया है किसके साथ? हमने किया है West Bangladesh के साथ, कह सकते हैं आप. तो यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश उसके अंतर्गत नहीं आएगा. आगे क्यों? The 480 megawatt पुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? दैट्स विल बी द नेपाल विल बी द राइट आंसर. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ रिवर. द रिवर ओरिजिनेट्स इन द हिंदुकुश माउंटेन्स रेंज एंड फ्लोट इनटू द हुम. अगर हम बात करें तो वेटलैंड्स आफ्टर कवरिंग अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ अबाउट 1100 किलोमीटर सीरियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज. मेकोंग रिवर आप कह सकते हैं. ठीक. नाउ नेक्स्ट, गरुड़ शक्ति, नोमैडिक एलिफेंट, मित्र शक्ति एंड धर्मा गार्जियन. नंबर ऑफ टाइम्स आपको मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज बताई है, अगर आप मैच कराना चाहोगे तो आप मैच करा सकते हो इसका, कि गरुड़ शक्ति होती है इंडिया और इंडोनेशिया के साथ. नोमैडिक एलिफेंट जो हुई वो आप कह सकते हो इंडिया एंड मंगोलिया के साथ. मित्र शक्ति की अगर आप बात करते हो तो ये होगा इंडिया एंड श्रीलंका के साथ. धर्मा गार्जियन की बात करोगे इंडिया एंड जापान के साथ. तो यहां पर ना 4, 3, 2, 1 विल बी द राइट आंसर. भारत में सौर पुरस्कारों के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए. पोस्ट इंडिपेंडेंट फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड 26 जनवरी. दिस विल बी द राइट आंसर. ओनली वन विल बी द राइट. सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क सीएलएन के बारे में कथनों पर विचार करें. सीएलएन वर्क्स द टेस्ट वैक्सीन व्हिच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द पेंडेमिक. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ अ सीएलएन. सीएलएन इज अ पार्ट ऑफ द कोलिशन ऑफ द एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन CEPI CLN. ठीक है, क्लियर हो गई बात. अगर हम बात करें एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए इसको बनाया गया है, तो इसका उपयुक्त में से कौन सा कथन सही होगा? तो आप कह सकते हो 1, 2, and 3 विल बी द राइट. नाउ कवच स्वचालित ट्रेन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कवच द ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्ट सिस्टम. तो इट्स डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय रिसर्च डिजाइनिंग RDSO. नेक्स्ट, द ट्रायल ऑफ अ कवच वर फैसिलिटेटेड बाय द साउदर्न इंडिया. बिल्कुल, साउदर्न रेलवे. नो,
कवच इज द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इस विल बी द राइट आंसर, थर्ड ओनली विल बी द राइट आंसर हियर. क्लियर. नेक्स्ट, नोवा काखोवका बांध कहां पे है जो हाल ही में समाचारों में रहा, यूक्रेन ना, इसको डैमेज कर दिया गया था रसिया के द्वारा. एरोनफिच हाल ही में, जिसने क्रिकेट देखा होगा, दिस विल बी द ऑस्ट्रेलिया विल बी द राइट आंसर. भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संगत पैरामीटर प्राप्त करने के वित्तीय समावेशन की प्रगति मूल्यांकन और मॉनिटरिंग करने के लिए हाल ही में ब्रांच लॉन्च किया गया डैशबोर्ड का क्या नाम है, अंतरदृष्टि. आप कह सकते हो दिस विल बी द राइट आंसर. सेंगोल, ये काफी चर्चा में रहा, नई संसद भवन बनने के बाद सेंगोल को प्रतिस्थापित किया गया लोकसभा स्पीकर के पास. ये काफी चर्चा मिला, लोगों ने कहा कि इट्स अ पॉलिटिकल स्टैंड, बट ये जस्टिस का सिंबल है तो इसे जो है अगर एडॉप्ट किया गया है तो चोलामपायर के द्वारा. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे इन द विच किंग इन द एंशिएंट इंडिया अटेम्प्ट टू क्लेम अ हायर स्टेटस, कौन सी रीति नहीं है जिसमें प्राचीन भारत में राजा उच्च स्थान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते थे. आप ये कह सकते हो कि टाइटल्स तो लेते ही थे, विभिन्न देवताओं के साथ जुड़ते भी थे एंशिएंट हिस्ट्री में, उच्च कर लगाना इंपोजिंग हाई टैक्सेस. आप ये कह सकते हो कॉन्क्वेस्ट एंड एनेक्सेशन ऑफ अ टेरिटरीज, इट्स कोई मतलब नहीं है इसका कि एज सच ये पार्ट है उनके क्लेम ऑफ हायर स्टेटस का. नो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट इज नॉट अ करेक्ट, द भक्ति उन परंपराओं से दूर रहा जो विविधता को बढ़ा. नहीं नहीं, इट्स अ ट्रू, ये सही नहीं है, ये यही ये परंपरा भक्ति कौन सा सही नहीं है, यही सही नहीं है, दूर नहीं रहे वो, और सारे तो सही हैं, पहले भी पकड़ लो आप. आप कह सकते हो क्रांतिकारी फ्रांस में सातंक राजस्व लिखित किससे संबंधित है, तो आप टेरर कह सकते हो, रीजन ऑफ अ टेरर किससे संबंधित है, तो ट्रायल एंड बिहाइडिंग प्रिजन कंसिडर एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक डे बाय द रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यून, थर्ड विल बी द राइट आंसर. ठीक है. In which of the following ways did the First World not impact Europe? तो आप ये कह सकते हो कि popular support था decreased for the conservative dictatorship which had camped into the being recently. In the immediate ending of British rule in India, an urgent necessity was a resolution of a Quit India movement. Will be the right answer. Which among the following pair of mine minerals is not correctly matched? आप कह सकते हो केंद्रबुक पाकसाल. ये matched नहीं है और सारे right. Which of the following is the oldest era in geological history determining the age of various rocks types? भूवैज्ञानिक इतिहास में विभिन्न प्रकार की शिलाओं के आयु के निर्माण के लिए कौन सा प्राचीनतम? अप्रूवकर्बियम, प्री कैम्ब्रियम कह सकते. अ जियोग्राफिकल ग्रिड, अ भौगोलिक ग्रिड, अक्षांश को चिन्हित करने के लिए ग्लोब में पूर्व में पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं. नहीं, ये गलत है. दिस विल बी द टू, ओनली टू विल बी द राइट आंसर. वायुमंडल के निम्नलिखित में किस मौसम संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फीयर में होती हैं, और याद करने का तरीका होता है TSMTEX. तो मौसम संबंधी घटनाएं ट्रोपोस्फीयर में होती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी पाई जाती है ओजोन लेयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रूपकुंड लोक इज लिक्विडेटेड, आप कह सकते हो उत्तराखंड विल बी द राइट. Consider the following statement: terracotta models of the blow have been found site of Chulistan. देखो अगर IBC की बात करता हूं तो ये भी लगभग 2 सालों से आ रहा है, तो यहां पे भी अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर. कालीबंगा में जोते गए खेत का साच में जो हड़प्पा के सभ्यता के विकसित चरण थे ना, एंड देन आफ्टर कालीबंगा पर जोते गए थे हल के 2 समूह समकोण काटते हुए विद्यमान थे जो कि दर्शाते हैं उसमें 2 अलग अलग फसलें हुआ. बिल्कुल सही है. नो नो, तो 1 एंड 3 आप कह सकते हो, थर्ड विल बी द राइट आंसर. म्यूल वॉज द तो इसमें म्यूल वॉज द निक नेम फॉर मशीन इन्वेंटेड, बिल्कुल सही है. एंड रिचर्ड आर्कलाइट यहां पे पावर लूम में होगा 1785, तो यहां पे ए विल बी द राइट. निम्नलिखित में किसे भारतीय योजनाओं की निर्माता के रूप में जाना जाता था? पीसी महान लोविस. विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर रॉक्स इट इज द पर्सनल नेम ऑफ द किंग अशोका? मास्की विल बी द राइट आंसर. तो इसको कह सकते हैं आप चरक संहिता, भरतनाट्यम, संगम लिटरेचर, अष्टाध्यायी, कूटो का सही क्रम लिखिए. तो इसमें कह सकते हो आप ये होगा ओवेश से बात है अष्टाध्यायी, देन संगम साहित्य, देन वन. हाँ बिल्कुल सही है. Which of the following is not example of fold mountain? Mount Fuji. निम्नलिखित में कौन सा मृदा जैव है? आप कह सकते हो ऑक्सीटोल, हिस्टोसोल. वर्टिसोल विल बी द राइट आंसर. वर्टिसोल विल बी द राइट आंसर.
भारत का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम सड़क कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम शहरों में एक दूसरे को काट, झांसी विल बी द राइट आंसर होगा भाई ना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट रीजन ऑफ वर्ल्ड है अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, तो आप कह सकते हो मानसून क्लाइमेट विल बी द राइट। लेकिन कौन सा कथन सही नहीं है यार? देखो बोकारो स्टील प्लांट दामोदर नदी पे है, बिल्कुल ट्रू। जमशेदपुर स्टील प्लांट ना, ये स्वर्ण रेखा नदी पे है, यही गलत है। सले कावेरी बिल्कुल सही, और कुल एपिकल्चर हनी, सेरिकल्चर सिल्क, सिविकल्चर फॉरेस्ट्री, विटिकल्चर ग्रेप्स, इसमें ना चारों सही है यार, ठीक है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होने वाली फसल को लाभ पहुंचेगा, यार इसमें गेहूं ही तो होगा, ठीक। शहर और उद्योग, देखो शहर और सहारनपुर में ना लकड़ी का काम होता है, वुडन काम होता है, क्राफ्ट के लिए पॉपुलर है, ना कि पेपर इंडस्ट्री के लिए, तो पहला ही गलत है और सारे सही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो 150 क्वेश्चंस थे प्यारे बच्चों, वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए, और इस जो पेपर का एक्सप्लेनेशन है वो आप ये कह सकते हो कि यूपीएससी का जो बेस्ट आंसर की हो सकता है उससे बिल्कुल पूर्णतः मैच करेगा, आइडियल आंसर की है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं आपसे, फिर अगेन मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय सीएलसी।